जय श्री श्री। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आप सभी को और आपके परिवार के सभी साथियों को श्री श्री परिवार की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुरु नीति का एपिसोड नंबर 23, जिसमें हमने कंसीडर किया है व्यूज एंड साउंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें अप्रोक्स 38 प्रॉब्लम्स से जो टॉपिक हमने इंक्लूड किया है व्यू एंड साउंड का, सिंपल प्रॉब्लम्स, फिर सुपरइम्पोज, बिट्स एंड इंटरफेरेंस, इसकी बात करेंगे। और इस टॉपिक में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो प्रॉब्लम हमने पिक किए वो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए पिक किए, तो वहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा आपको मिल जाएगा। सर, इस टॉपिक के बारे में कुछ आप बता दीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वैसे नीट के लिए बहुत शानदार है। क्वेश्चन अपने एवरेज इसमें जैसे पहला पार्ट अपन ले रहे हैं तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन करीब इसमें आ जाते हैं हमेशा। बिट्स का क्वेश्चन एक पक्का होता है। जी जी जी। और इंटरफेरेंस में छोटा मोटा क्वेश्चन आपका आ जाता है। बेसिक वेव फॉर्मेशन वगैरह, स्टैंडिंग वेव है, टाइप्स है, वहां से क्वेश्चन आपका बेसिक बन जाता है। जी जी जी। तो इस तरह से कोई बड़ा इशू नहीं है, पर बहुत टॉपिक ईजी है, स्कोरिंग टॉपिक है, बच्चा कर लेता है, पर इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल, छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना होता है। तो करें, स्टार्ट करते हैं। यस सर। मैं हूं सुखदेव सोलंकी, सोलंकी सर, और मैं किशोर शेखावत। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर। जी जी, थैंक यू। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है, अ वेवलेंथ 0.60 सेंटीमीटर प्रोड्यूस इन एयर एंड ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी एन। वायु में किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य दे रखी है और स्पीड आपको दे रखी है, तो तरंगदैर्ध्य और स्पीड में रिलेशन से हम वेवलेंथ यहां से कैलकुलेट करते हैं। और वेवलेंथ जो आपको मिलेगी v = n λ, और यहां से जो मुझे मिलेगा n = v की वैल्यू 300 आपको दे रखी है और लैम्ब्रा जो आपको दे रखा है 0.60 सेंटीमीटर में, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो n की वैल्यू हमें जो मिली है 54,000 हर्ज मिलेगी। अब 54,000 हर्ज की बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे वेव्स जो मिलेगी, साउंड वेव जो आपको मिलेगी, अल्ट्रासोनिक, सोनिक और इंफ्रासोनिक मिलेगी। yes, yes. तो यहाँ से देखेंगे ये जो रेंज मिलती है फ्रीक्वेंसी की, जो सोनिक रेंज मिलती है ह्यूमन के लिए 20,000 हर्ज मिलती है। तो ये जो सोनिक रहेगी ये सोनिक से ज्यादा है, इसका मतलब अल्ट्रासोनिक है। और अल्ट्रासोनिक में ऑप्शन हम देखेंगे ऑडिबल वेव नहीं है, आप इंफ्रासोनिक भी नहीं, अल्ट्रासोनिक थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल खड़े होगा तो जी, बिल्कुल आगे बढ़े। ओके, सेकंड प्रॉब्लम आपसे क्या बोला है कि चंद्रमा पर एक बड़े विस्फोट को पृथ्वी पर नहीं सुना जा सकता, क्योंकि अब यहां से एक्सप्लोजन से जो साउंड प्रोड्यूस होगा और साउंड है मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेशन के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है, विदाउट मीडियम वो प्रोपोगेट नहीं करेगा, इसलिए हम नहीं सुन पाएंगे। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है। द एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी, नो, साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विदाउट कहने का मतलब ये हुआ कि भाई मून पे तो एटमॉस्फेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मून से जैसे अपना ग्रेविटी है वहां तक आना, उसके बाद सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंचना, तो वो वहां पहुंच उसका ट्रेवल होगा ही नहीं, ट्रेवल नहीं होगा। तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं सर, साउंड वेव रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, तो वो होता नहीं, इसलिए प्रोपेगेट नहीं कर पाए। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट। जी जी। ओके, अ ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस वेव्स इन मीडियम, इफ द टेम्परेचर ऑफ मीडियम चेंजेस देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विल चेंज। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो सोर्स है साउंड का, सोर्स ट्यूनिंग फोक आपको दे रखा है, तो ट्यूनिंग फोक यहाँ पे साउंड वेव जनरेट करेगा, तो साउंड वेव्स की जो प्रॉपर्टी हम बात करेंगे स्पीड की, एम्पलीट्यूड की, फ्रीक्वेंसी की, तो स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड v = डिपेंड करेगा γRT/mw। तो यहाँ से टेम्परेचर को चेंज किया, टेम्परेचर को चेंज करने से स्पीड विल बी चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे स्पीड चेंज हो जाएगा। स्पीड चेंज होने से क्या चेंज हो रहा देख लेते हैं, v = n λ। फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पे डिपेंड करेगी, सोर्स ट्यूनिंग फोक आपका सेम है, ट्यूनिंग फोक सेम है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं बट वेवलेंथ विल बी चेंज, यहाँ पे वेवलेंथ भी चेंज हो गई। अब वेवलेंथ चेंज होगी हम बात करेंगे इसकी एनर्जी की, एम्पलीट्यूड की, टाइम पीरियड की, हम कहेंगे टाइम पीरियड जो मिलेगा वो किसकी प्रॉपर्टी रहेगी, सोर्स की प्रॉपर्टी रहेगी, उसमें डिपेंड करेगा।
एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हम कहेंगे इसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा, तो एनर्जी पे डिपेंड करेगा तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे चेंज जो होने वाली प्रॉपर्टी है वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, टाइम पीरियड हम कहेंगे सोर्स की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, आप कहेंगे टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन n, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो वेवलेंथ विल बी चेंज्ड, वेवलेंथ यहां पे चेंज हो जाएगी, क्या सर सही है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपन सर बात करें तो अपने पास जो ट्यूनिंग फोर होता है, ट्यूनिंग फोर जो है एक तरह से हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, साउंड है जी। सबसे पहले इसको अपन जब किसी अपने हाथ में रखकर इसको अपन स्ट्रक करेंगे, टकराएंगे जी जी, तो उस प्रोसेस में अपन इसको एनर्जी प्रोवाइड करिए जी बिल्कुल। जैसे अपन इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसी एम्पलीट्यूड का ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि एम्पलीट्यूड तो किस पे डिपेंड करता है, गिवन एनर्जी पर, गिवन एनर्जी पे, बाकी सब इसके नीचे डिपेंड करता है, बिल्कुल। और वेवलेंथ है वो तो मीडियम पे डिपेंड, मीडियम पर, उसको अपन ने बदला तो बिल्कुल सही, आप शानदार, बड़े नेक्स्ट जी जी ओके। व्हिच ऑफ द प्रूविंग इज नॉट द ट्रांसवर्स वेव, अब ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे यहाँ पे, मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव आपको मिलती है, और ट्रांसवर्स वेव में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव मिलती है, हम कहेंगे गामा से लेकर रेडियो वेव्स तक पूरा स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, ट्रांसवर्स वेव मिलती है। और मैकेनिकल वेव की बात करेंगे आप कहेंगे साउंड, यहाँ पे जो है मैकेनिकल वेव है, और साउंड वेव इन केस मैकेनिकल वेव मिलेगी, तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल नहीं है, ये पूछा है। This is electromagnetic wave, this is electromagnetic wave, light, visible light है, ये भी electromagnetic wave, जितनी भी electromagnetic waves होती है वो सब की सब transverse wave होती है। हम बात करें गामा वेव, गामा रे से, गामा टू और रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव, ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो हम क्या बोलेंगे, ये सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव होती है। तो साउंड वेव इन गैस या साउंड वेव जितना भी आपने कहा, साउंड वेव इन मीडियम जितना भी मिलेगा वो मैकेनिकल वेव मिलेगा, वो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव मिलेगा, तो दिस एग्जांपल नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है जी, शानदार। बेसिक क्वेश्चन आते रहते हैं, हां बेसिक बेसिक आते हैं वेव का बेसिक। इसमें जैसे मेन लेवल पर आगे बात करेंगे, जैसे अपन पढ़ेंगे पोलराइजेशन, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पर कैसे अपन उसको बाइप्रेट करते हैं, बाइप्रेट करते हैं कि ट्रांसवर्स कौन सा है और लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है, तो वहां पे अपन जानते हैं कि साउंड वेव उनका तो हो जाता है आपका पोलराइजेशन, बाकी ट्रांसवर्स का स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन विल बी सेम एज द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला मिलता है v इज इक्वल्स टू r रूट ऑफ गामा r t अपॉन में m w। अब दोनों गैसेस जो हमें दे रखी हो, डायटोमिक गैस दे रखी हो, डायटोमिक के लिए हम कहेंगे गामा कांस्टेंट हो गया, r कांस्टेंट है, स्पीड की जो डिपेंडेंसी मुझे मिली है r रूट ऑफ t अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे कुछ मिल जाएगा। इन्होंने हमें बोला कि हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन गैस की स्पीड इक्वल है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैंने हाइड्रोजन की बात की, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे फॉर्मूले पुट करेंगे तो आई थिंक दिस रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस के लिए टेम्परेचर हमें पता नहीं, और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट जो मिलता है टू इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर आपको गिवन है डिग्री सेल्सियस में, तो हमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 273 प्लस 100 अपॉन में ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 32, इस करेंगे आप बोथ साइड, देन हमें मिलेगा T अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 373 अपॉन में 32। इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पे आई थिंक T इज इक्वल्स टू दिस वन 16 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलता है 23 point something केल्विन। अब ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन तो एक भी केल्विन में नहीं, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दे, और सर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 270 से माइनस 273 डिफरेंस करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा, तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए जो भी टेम्परेचर मुझे मिला है 23 point something माइनस 273, और ये वैल्यू अप्रोक्स इक्वल्स टू हमें मिलेगी 249 के आसपास, यस नेगेटिव होगा, नेगेटिव है 249 point something डिग्री सेल्सियस, क्या सही में सर बोल रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका आंसर रहा, बिल्कुल 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 यस।
कंटिन्यू करते हैं। यस नेक्स्ट। बिल्कुल। तो सर ये जो प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सर दैट हाइड्रोजन इज। ये प्यारी सी प्रॉब्लम है, आई थिंक हमें साउंड वेव का कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला लगा के तो ऐसा कुछ फॉर्मूला मिलता है हमें, v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ गामा p अपॉन में रो मिलता है। तो यहाँ से मिक्सर की बात करेंगे तो मिक्सर का जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, दोनों गैस डायटोमिक है तो ये चीजें कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो स्पीड जो डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। डेंसिटी, तो हाइड्रोजन की डेंसिटी और मिक्सर की डेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे रेशियो आई थिंक मिल जाएगा। सर थोड़ा हेल्प कीजिएगा मेरी। तो जैसे अपन ये देखें सर, इसमें एक तो बहुत बेसिक सी तो बात अपन यहाँ से पकड़े हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन और अपना ऑक्सीजन गैस है उसका तो अपन जानते हैं वैसे सिस्टम टाइम जी जी होता ही है, पर यहाँ से तो लाइन कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान आयतनों को सेम वॉल्यूम को अपन ने मिक्स करा है। जी जी जी। जब सेम वॉल्यूम को अपन ने मिक्स करा, इसका मतलब डेफिनेट है कि एवोगाड्रो जो प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल्स कैसे इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। और सिंपलेस्ट वे में अपन माने तो इसका मान करता हूं 1 मोल, और इसका मान लेपन कितना 1 मोल, इसको अपन ने मिक्स कर दिया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर 1 मोल इसका 1 मोल से अपन मिक्स करेंगे तो हमें अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, आपको फाइंड करना है इसमें इनकी साउंड का रेशियो निकालना है। जी जी। पहले कौन से अपने पास गैस हैं, ऑक्सीजन, तो यानी BO2 by BS2 हमें फाइंड करना है सर। जी जी बिल्कुल। और इसको अपन यहां से लिखेंगे तो जैसे कि आप ने यहां तक देखा तो ये आपका हो गया रो S2 अपॉन रो O2। अब ये अपने को इसमें फाइंड करना पड़ेगा। अब इसमें ये कैसे करेंगे, तो अपने बात कही कि इनको मिक्स करा अपने सेम वॉल्यूम के रूप में, तो अपन जैसे याद करेंगे तो रो हमारे पास होता है मोलर डेंसिटी पर निकालते हैं, तो वैसे होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जी जी बिल्कुल। मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमारे पास गैस दो है, मास ऑफ O2 प्लस मास ऑफ S2 अपॉन वॉल्यूम सेम है, तो इसका वॉल्यूम वी मान लो, इसका भी मान लो 2V हो जाएगा। यस थ्री हो गया, वी प्लस वी। अब इसकी वैल्यू पुट करने, आप जानते हैं एम तो कितना, 32 हो गया, ये आपका हो गया इतना 2 हो गया, 32 प्लस 2 कितना 34 तो जो आपका मिक्सर है उसमें और हाइड्रोजन में, तो यहाँ ये तो अपने को लेना है किसका सर, मिक्सर। बिल्कुल, थोड़ी से अपन करेक्शन कर गए यहाँ पर, ये मिक्सर और ये भी अपने को लेना है कौन सा, मिक्सर। मिक्सर बस ओके। अब आते हैं अपन रो ऑफ हाइड्रोजन, कोई बात नहीं, उसका भी मॉलिक्यूलर वेट कितना अपन जानते हैं, 2 अपॉन v प्लस v, 2v हो जाएगा, या वो तो अकेला ही है भाई, बिल्कुल। तो ये आपका बिल्कुल, ये एक बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम थी। और जो इसमें बेसिक चीज जो सर ने पकड़ी यहाँ पे कि इक्वल वॉल्यूम में एवोगाड्रो और एवोगाड्रो पे जाते हैं, आपने का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल आती है कि सब कुछ इक्वल वॉल्यूम है तो सेम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आपके मोल्स हैं। बिल्कुल। और फिर अपन डेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, और एक था हमारे मिक्सर के लिए, एक इसका था H2 गैसेस के केस के लिए, इसलिए बिल्कुल अच्छे से इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर रूट ऑफ 2/17। बिल्कुल, कैलकुलेशन भी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इक्वल वॉल्यूम वाली जो बात आप पकड़े, बच्चा इस चीज को पकड़ लेगा। कंडीशन जो दे रखी है, एक कंडीशन, इस कंडीशन में जैसे अप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। बड़े चलो बिल्कुल ओके। क्या बोल रहा सर ये? थैंक्स। ये कह रहा है व्हेन द टेंपरेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय दिस, इतना अपन ने टेंपरेचर बढ़ा दिया, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस बिकम्स √3 टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी इन इट। तो पहले इसकी स्पीड थी उसके कंपैरेबल कितना, √3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। द इनिशियल टेंपरेचर ऑफ द गैस इज, आपको पूछा है इसका इनिशियल टेंपरेचर कितना है, तो गैस अपन ने कुछ चेंज नहीं करा। जी ओनली आपने टी को चेंज करा है। तो अपन जैसे देखें सर कि वी जो बेसिकली अपन कहते हैं रूट ऑफ गामा RT बाय m, क्लियर जी। अब इसमें गैस तो अपन तो वही रखी है, कांस्टेंट है, r आपका वैसे भी कांस्टेंट है,
और गैस कॉन्स्टेंट, तो उसका मोलर मास भी कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे में आपको मिला यहाँ पर v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t. अब इसको ऊपर लिख दे यहाँ पर, जैसे ये आपका मान लो v डेस बाई बी, तो रूट ऑफ t डेस बाई t. बस अब इक्वेशन क्या कह रहा है कि जब हम इस टेम्परेचर को 1600 केल्विन से इंक्रीज करते हैं तो साउंड जो है उसकी स्पीड है वो रूट थ्री टाइम्स होगी. तो पहले मान लो वी था तो रूट थ्री भी हो गया जी. तो इसको वैल्यू पुट करेंगे, हाँ देखो मैं इसको लिख दूं जी, रूट थ्री वी अपॉन वी. और यहाँ पर ये अपने पास है इनिशियल टेम्परेचर, वो तो पूछा आपसे से ना, तो टी और टी डेस कितना हो गया टी प्लस 600. बस अब इसका अपन स्क्वायर वी से भी आपका कैंसिल हो गया, इसको फोर स्क्वायर वैसे दिख रहा है, रूट से रूट कैंसिल जी जी, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो अपने पास वैल्यू आ गया 3 इज इक्वल टू, या कर दो 3t इज इक्वल टू t प्लस 600. तो 2t इक्वल टू 600, तो 2t का 6 इसका मतलब हो गया 300 केल्विन. 300 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो t सर हमारा आ गया इनिशियल, वो हो गया 300 केल्विन केल्विन. और ये तो बहुत ही प्यारा सा एक डाटा होता है. बिल्कुल बिल्कुल. बेसिकली अपन रूम टेम्परेचर जैसे कहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. 27 डिग्री सेल्सियस का आंसर, इसका करेक्ट आंसर 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये भी एक शानदार सी प्रॉब्लम है. बिल्कुल बिल्कुल. प्रॉब्लम बहुत प्यारी प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम मेडिकल में पूछी जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं जी जी जी. हां, इसमें जो इनिशियल पूछा ना क्वेश्चन, इनिशियल पे बच्चों को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, पूछा क्या जा रहा है, बाद का पूछा है कि पहला पूछा है, तो उस पे और सेल्सियस का केल्विन कन्वर्जन. लैंग्वेज तो सब कुछ होती है, प्रॉब्लम की लैंग्वेज में ही उसका सॉल्यूशन छुपा होता है. लैंग्वेज को आप ढंग से देखो तो सॉल्यूशन आपको अपना मिल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये साउंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम. अभी इसको क्वेश्चन को जब पहले अपन डिस्कस कर रहे थे पहले, तो इसमें अपन थोड़ा सा जैसे मैं सोचने में ऐसे चला गया, बच्चा भी सोचता है, बच्चा कई बार के गामा और एम दोनों डब्ल्यू होता है, तो एम को कांस्टेंट करके गामा को वेरी कर लेता है, गामा को वेरी करने से फिर दिक्कत में आ जाता है. दोनों चीज की बात अपन कंप्लीट बच्चे को बता देते ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा. तो करें इसको. बिल्कुल. साउंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन, तो जैसे अपन देखें तो बात वही आती है घूम फिर करके, जैसे आपने लिखा इसमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड ये आपका गामा आर टी बाई एम. अब एक तो आपको सदस्य अपन देखने, तो हमारे पास गैसेज हैं, एस टू गैस हमारे पास है, एन टू है, हीलियम है और ओ टू है. तो यहाँ जो इसकी गैस की नेचर है वो डायटोमिक भी है और मोनोटोमिक. गामा भी वेरी करेगा. हाँ बिल्कुल, गामा वेरी करेगा. अब चूंकि नेचर भी इनके अलग अलग है जी जी, और इनके मॉलिकुलर मास भी अलग अलग है, इसका मतलब इसका वी का डिपेंडेंस किस पे, गामा पर भी और इसका एम पर भी. पर यहाँ पे डोमिनेट कौन हो रहा है, देखना पड़ेगा. जैसे देखो मॉलिकुलर वेट की बात अपन करेंगे, इसका कितना टू है सर, ये आपका कितना होगा 28, ये आपका हो गया 4, और ये है कितना, देखो इसका 32, ये हो गया 32. जब गामा की बात करेंगे तो गामा इसका तो आपका 1.6 इसके आसपास करीब होगा, इसका आपका 1.4 है, ये आपका 1.66 की करीब इसका हो गया आपका 1.4, इसका भी 1.4 ही आएगा. 1.4 H2 डायटोमिक. बिल्कुल बिल्कुल. हां ये भी आपके डायटोमिक है ना, डायटोमिक, ये भी डायटोमिक, ये भी कौन सी, ये भी डायटोमिक. तो 1.4 1.4 और 1.4, इसे कितना 1.6, बट कोई बड़ा लार्ज डिफरेंस डिफरेंस नहीं है. गामा यहाँ पे डोमिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे वी जो डिपेंड करेगी मेनली मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट पे. अब जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, जिसका कम से कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी. और गिवन ऑप्शन में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है. और किसी भी गैसेज की हम बात करेंगे तो सारी गैसेज में हाइड्रोजन सबसे लाइट गैसेज होती है, और लाइट गैस तो आपकी हाइड्रोजन की स्पीड जो मिलेगी हमें मैक्सिमम मिलेगी. तो इसका करेक्ट आंसर सर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट जी. और अपन से पूछे मिनिमम, तो फिर अपना आंसर हो जाना चाहिए फोर्थ. हाँ बिल्कुल. ऑर्डर पूछे मान लो, तो ऑर्डर भी हम सेट कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्डर में. पहले अपन सबसे हाइड्रोजन का हो गया, फिर हीलियम, नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन. यस यस. हाँ ऑर्डर भी पूछा जाए, ऑर्डर पूछा जा सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. यस सर. बढ़िया गए जी सर. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाटर वेव्स आर, जल में जो तरंगे होती है वो किस तरह से, जल का बड़ा एक रोचक क्वेश्चन आता है. बिल्कुल बिल्कुल. इसका सरफेस में कैसे होता है, उसके अंदर कैसे अंदर होती कैसे है, और सरफेस में होती है उसको तो हम विजिबल होती देखते भी, और बच्चा वहां से टिक कर देता है, जबकि डेप्थ में भी कुछ वेव जनरेट होती है. उसको कंप्लीट फोटो के साथ थोड़ा सा बच्चों को समझा दे, बच्चे भी समझ लेंगे और मजा भी आ जाएगा बच्चों. बिल्कुल, आप बताएं फिर जी जी. हम देखेंगे कहीं भी स्टिल वाटर की बात करें, ये स्टिल वाटर है. अब स्टिल वाटर में आप देखेंगे इसकी सरफेस में कोई डिस्टरबेंस नहीं. अब व्यूज होता क्या, डिस्टरबेंसिंग मीडियम, डिस्टरबेंसिंग मीडियम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस, मैंने स्टोन को यहाँ पे ड्रॉप किया या इसको फिंगर को ड्रिप किया या किसी भी डिस्टरबेंस को यहाँ पे प्रोड्यूस किया, जैसे डिस्टरबेंस को करेंगे यहाँ पे जो वेव फ्रंट जनरेट होगा, ऐसे कुछ आपने कहा सर्कुलर वेव फ्रंट जनरेट होता, ऐसे कुछ आपने कहा जनरेट हो जाएगा. यहाँ पे तो हमें दिखाई देता है, और दिखाई देता है आपने कहा ऊपर से जब हम देखेंगे इसको 3D में, तो ऐसे कुछ लेयर्स बनती है और हम कहते हैं यहाँ से ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी.
बट हम कहेंगे इस डिस्टर्बेंस ने कुछ एनर्जी जो है इसकी लॉन्गिट्यूडल भी ट्रांसफर कर दी, और लॉन्गिट्यूडल ट्रांसफर करने से कुछ मॉलिक्यूल जो है इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होते, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होकर, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होने से इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी, और इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होने से हम कहेंगे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन है, दैट इज आपने कहा वाटर मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन है, ऐसे कुछ मिलेगा, और वेव प्रोपोगेशन भी हमें कैसे मिलगी, इसी डायरेक्शन में मिलगी। तो यहाँ पे वेव प्रोपोगेशन एंड मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है पैरेलल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनस वेव जनरेट होगी जिसको हम सेंस नहीं कर पा रहे, ये डेप्थ में चल रहा है, और इसकी वाटर की रिजिडिटी भी होती है, बल्क मॉडल से हमने देखा है, बल्क मॉडल से रिजिडिटी भी मिलेगी, और जैसे हम कहेंगे इसमें प्रेशर भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ से स्पीड भी आपकी इंक्रीज होती जाती है, और यहाँ पे जो हम देखते हैं तो वाटर सरफेस पे ऐसे कुछ आपकी लेयर्स बन जाती है, इस तरह की कुछ लेयर्स बन जाती है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाता है, इस तरह की लेयर्स बन जाती है, तो बच्चा इसको तो देख पाता है और प्रैक्टिकली फील भी करता है, इसको देखता है और फील भी करता है। तो यहाँ पे जो मिली सरफेस पे वो हमें ट्रांसवर्स वेव मिलगी, जबकि डेप्थ पे अंदर जो वेव मिलती है वो लॉन्गिट्यूडनस वेव मिलती है। अगर दोनों को हम देखेंगे तो यहाँ पे दोनों की रिपल वेव जनरेट होगी, दोनों का मिक्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम कैलकुलेट करते हैं का गुणांक कितना होगा, रिपल फैक्टर कितना होगा, तो वहां से बच्चे इसको समझते, रिपल वैसे है क्या, रिपल मिक्सर है, दोनों का मिक्सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या टिक करते हैं इसका आंसर, इसमें दोनों होंगे, बिल्कुल आप इनके ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनस यहाँ पे दोनों, तो अपन से ये कहना चाहिए तो इससे बच्चों को जो टॉप सरफेस इसकी है जी, तो जैसे अपन पढ़ते हैं सरफेस टेंशन, हाँ तो इसकी टॉप सरफेस में जो आपका रिजिडिटी का प्रॉपर्टी हुआ करता है, अंदर नहीं होता, अंदर ऊपर है, ए तो अपन कहते हैं तो बल्क मॉडुलस होता है, बी इसका आपका ईटा जी, बिल्कुल। तो आप ये जानते हैं सर कि जैसे ट्रांसवर्स वेव के जनरेट होने के लिए उस मीडियम में रिजिडिटी यानी आपका कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसवर्स बनेगी, अंदर दोनों का मिक्सर बनता है, तो अपन क्या बोल पाएंगे, दोनों बच जाएंगे जी जी, बिल्कुल आंसर आपका जाएगा थर्ड, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ओके जी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, नेक्स्ट पहुंचते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जी जी 10 में। तो ये बहुत एक शानदार प्रॉब्लम है सर, अच्छी प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वायु में जो ध्वनि है उसकी चाल किस प्रकार से चेंज होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन कितने 5 दे रखे हैं, फिर भी अपने को सही और गलत का कुछ चेंज करना, देखो चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला सर ये आपसे अपन से पूछ रहा है कि वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ है वो बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है उसको पहले चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है ये अपन लिखे गामा पी बाई रो, या अपन इसको लिखे गामा आर टी बाई एम, जैसे अपन जानते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीबी इज इक्वल टू एन आर टी, क्यों सर जी, बिल्कुल। अब इसमें जैसे मैं इसको बदलता हूं डेंसिटी के फॉर्म में, तो ये एन हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स वैसे है मास अपॉन वॉल्यूम जी जी, तो जैसे अपन लिखा इसको सही लिखा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम, ये गलत कर दिया मैंने, एन करो, एन इसको बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास गैस इक्वेशन क्या थी, PV is equal to nRT जी जी, इसी को लिख दो मैं यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स आपका मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT, इसको दो m नॉट, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है गैस का, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस आ गई जी जी। तो अगर देखें मैं इसमें से तो m अपॉन v इधर ले आता हूं, तो मेरे पास P is equal to देखो हो गया ये मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ये फिर आपका RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ये बन गया आपकी डेंसिटी, डेंसिटी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि P और ये हो गया आपका रो RT अपॉन m नॉट, m नॉट यानी प्रेशर और डेंसिटी तो प्रोपोर्शनल है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमने प्रेशर को डबल किया तो डेफिनेटली डेंसिटी भी डबल हो जाएगी जी जी जी, बिल्कुल। इसका मतलब अब अपन आते हैं क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्वेश्चन था गामा गामा P अपॉन रो, ये तो प्रेशर है आपकी डेंसिटी है, और यहां था कैसा गामा RT अपॉन m है। अपन क्वेश्चन को देख पाएंगे सही से जी जी जी, कि अगर अपन डेंसिटी को मान लो, अगर अपन ये प्रेशर को डबल किया तो डेंसिटी भी डबल, दोनों डबल हो गया, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट रहा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। पर सर जैसे अपन यहां देखें तो यहां टी को अपन डबल कर रहे हैं या इसको अपन बढ़ा रहे घटा रहे हैं, उसको तो डायरेक्ट इस पे इफेक्ट आ रहा है जी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब अपन क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, तो पहला आपका ऑप्शन क्या था, इंक्रीज विद टेंपरेचर, तो सही लग रहा है, यस करेक्ट है कि ये टेंपरेचर के साथ इंक्रीज होगा, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। और फिर ताप के साथ घटता है, डिक्रीज विद टेम्परेचर,
इसमें डिक्रीजेस विद, इसमें ये अपने को खुद ही मानना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहे, हाँ तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ताप के संबंध अपने आप कुछ उसमें ताप को अपन बढ़ा रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं, हाँ ताप को हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर पर इंक्रीज कर रहे हैं तो घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, तो ये तो गलत हो गया, ये आपका सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि इंक्रीज विद प्रेशर, यानी प्रेशर के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा, जबकि प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। गलत है। फिर है ये बात सही कह रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। और फिर कह रहा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं ऐसा नहीं कह दिया पहले, ऐसा नहीं होता, ये भी गलत है। सही कौन सा आपका, फर्स्ट और फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ फर्स्ट एंड फोर्थ आपको दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ इज करेक्ट, करेक्ट जी सर, ठीक है, वेरी गुड, बढ़े आगे जी सर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव ट्रांसफर, तो साउंड वेव ट्रांसफर जो होती है तो उसमें क्या ट्रांसफर होता है, तो बेसिकली से भी आप एग्जांपल दे रहे थे, वो अपन एग्जांपल दे, मान लो अपन पानी पत्थर डालते हैं, जी जी, तो पानी जो पत्थर डालते हैं तो अपन क्या देखते हैं, जैसे मोस्टली जैसे अपन देखें कि मान लो पानी पत्थर डाल दिया, डालती जो वहां वेव्स है वो आगे मूव करती हैं, जी बिल्कुल, और मूव करती, और उस दौरान मान लो अपन पानी पे कोई कागज का टुकड़ा डालते हैं अपन, जी जी, तो अपन अक्सर देखते हैं ऐसे कि कागज का टुकड़ा तो वही ऑसिलेट करता है, जी जी जी, वो मूव नहीं करता, इसका मतलब वहां मूव हो क्या रहा है, एनर्जी एनर्जी होगी तो मोमेंटम होगा, या मोमेंटम होगा एनर्जी होगा, तो वहां पे कहीं पे डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट कर रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों प्रोपोगेट, बिल्कुल। इसमें सर एक मैं जैसे मैं जब 10th क्लास में था, जी जी, तो हमारे जो सर थे साइंस के 10th क्लास में, उन्होंने मेरे से प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन पूछा था, जी जी, व्हाट इज वेव, वेव की परिभाषा क्या होती है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उस दौरान मैंने रट रट रखी थी भयंकर वाली रट रखी थी, ऑब्वियसली उस 10th क्लास में इतना नॉलेज होता नहीं, तो रटना ही पड़ता, उस टाइम ये पता नहीं था कि डिस्टर्बेंस होता क्या है, जी जी जी, और हम बोले शानदार बोले, किसी माध्यम में आकर्षित होती हुई विक्षोभ श्रृंखला को वेव कहते हैं, बिल्कुल, तो वो विक्षोभ श्रृंखला ही तो डिस्टर्बेंस है, जी जी, वही तो एनर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें अपना क्या आंसर आएगा, इसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों आने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। और साउंड वेव वैसे आपकी जैसे अपन एक बात और भी कहते हैं कि वेव अपने जैसे दो टाइप की होती है, प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव्स होती है, यानी प्रोग्रेसिव अपन बोलते हैं, यानी परगामी और अपरगामी, तो परगामी के अंदर तो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, बिल्कुल, मोमेंटम का ट्रांसफर वहां पर होता है, पर स्टैंडिंग में नहीं होता, तो स्टैंडिंग तो फिर वो सुपरइंपोज होने के बाद बनती है, सिंपल अपन से पूछा साउंड वेव, जी जी बिल्कुल, साउंड वेव भी सुपरइंपोज करके आपका स्टैंडिंग वेव बना सकती है, जी जी, पर उसकी बात अपने को यहां नहीं करनी है, जैसे अपन जो अपने वो जो होते हैं अपने वाद्य यंत्र होते हैं, वायर वाले वाद्य यंत्र जितने भी होते हैं, गिटार वगैरह हैं, सितार वगैरह हैं, सितार है, तो उनके अंदर जो वेव बनती है वो तो आपकी स्टैंडिंग वेव है, वहां तो एनर्जी का मोमेंटम का ट्रांसमिशन नहीं होता, पर ये बेसिक है, मान लो अपने पास कोई एक ट्यूनिंग फोर्क था, इसको अपने वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने पर जो साउंड यहाँ जो वेव अपने पास आ रही है, जी जी, यानी सोर्स से अपने पास वेव आ रही है, उसकी बात की जा रही है, वो हमारे पास वेव कौन सी है, वो साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडल वेव है, और उसमें आप पाते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम आपके ट्रांसफर होते ही है। आप ये कहना चाह रहे हो कि साउंड वेव का जो प्रोपोगेशन है, जब भी प्रोपोगेशन होगा तो हमेशा लॉन्गिट्यूडल के फॉर्म में होगा, जबकि जनरेट वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, कि वायर में जब जनरेट होगी तो वेव तो हमेशा ट्रांसवर्स हो जाएगी, बट जब वो प्रोपोगेट करेगी उस समय कन्वर्ट हो जाएगी लॉन्गिट्यूडल, मीडियम के अंदर वो लॉन्गिट्यूडल रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वहां पर वो किस रूप में होती हैं, वहां पर जैसे होती हैं आपकी स्टैंडिंग वेव के रूप, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वहां पे जो वायर है आपने फिक्स्ड कर रखा है, वायर फिक्स्ड कर रखा है, वायर जो वाइब्रेट करेगा दो रिजिड वेव्स के इससे बात तो आपने का वायर कहीं जा ही नहीं रहा, नहीं वाइब्रेशन हो रहा, तो यहाँ पे वेव जो प्रोड्यूस हुई है वो तो ये ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव बन गई, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव बन गई, और यहाँ से जो प्रोपोगेट होगी वो कौन सी है, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है, जी जी बिल्कुल, शानदार सी बात, बहुत प्यारी चीज है, मजा आ गया सर, तो बढ़ आगे बिल्कुल, यस। तो अगला क्वेश्चन आपका देखो, व्हेन एन एरोप्लेन अटेन्स ए स्पीड हायर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, द लाउड बैंग इज हियर, दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, इस वजह से सर कई बार जैसे हम पढ़ रहे थे तो मैं एक बार एग्जांपल दिया, जैसे जोधपुर जो अपना है, जी जी, वहां तो एयरक्राफ्ट खूब चलते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, स्पीड भी रहती है, और वहां पे आर्मी का सबसे बड़ा बेस है, बड़ा बेस है, जी तो जी। वहां से जब ये एरोप्लेन तो गुजरते हैं तो वहां के जो घर है,
जी जी मोस्टली वहां पे जो शीशे वगैरह हैं वो चिरक जाते हैं, चिरक जाते हैं, मकान में दरार आ जाती है, दरार आती हैं। जी जी, तो वो सब खेल इसी का ही होता है। जी जी बिल्कुल। जैसे कोई एरोप्लेन साउंड की स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करता है, तो वो अपने पीछे बहुत ही एक हाई एनर्जी का एक डिस्टर्बेंस, जिसको हम कहते हैं शॉक वेव कहते हैं, तो वो जो वेव होती है वो क्या करती है, वो डैमेज कर जाती है। जी जी। इसलिए जो आपके एयर बेस होते हैं उनको हम मोस्टली जो आपके क्राउडेड एरिया होते हैं सिटी से बाहर उनको अपन एस्टैब्लिश करते हैं। तो जहां तक इसका आंसर अपन देखें तो कौन सा आना था सर इसमें, देखो इसमें देखो कि इट्स एक्सपोज्ड, आप देखिए ऐसा तो नहीं होता, इट्स प्रोड्यूस अ शॉक वेव व्हिच इज रिसीव अ हाई बेक। यस, आपने कहा ये जो शॉक वेव प्रोड्यूस करेगी, जो आपने कहा हाई बेक प्रोड्यूस करती है यहां से, तो सेकंड ऑप्शन आना चाहिए। इसमें थोड़ी सी बात अपन और कर लेते हैं, मैक नंबर वैसे भी कुछ होता है, हां मैक नंबर, वहां से बच्चा इजीली समझ लेगा, तो बताएं सर बच्चों। तो मैक नंबर जो हमारा होता है, हम मैक नंबर की अगर हम बात करें तो मैक नंबर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ जेट, स्पीड ऑफ जेट, जेट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड, साउंड स्पीड ऑफ साउंड। तो हम यहां पे कहेंगे, और ये तो आपका फिक्स है सर 330। जी जी। तो यहां पे हमेशा कह सकता है कि बच्चा सोचता है कि बहुत सारी एरोप्लेन गुजरती है, बहुत सारे जेट गुजरते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब स्पीड जेट की स्पीड इंक्रीज होगी, और जेट की स्पीड कितनी हो जाए, साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए, मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल जाए, जैसी ग्रेटर देन 1 मिलेगी उस कंडीशन में ये जो जेट प्लेन है उसके पीछे एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा, कॉनिकल डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, और कॉनिकल डिस्टरबेंस जो प्रोड्यूस होगा उसमें हाई एनर्जेटिक होता है, और वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, या आप कहेंगे किसी थिंग्स के लिए हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें होती है, और वो एनर्जी हम कहेंगे यहाँ पे शॉकवेव जनरेट करेगी। तो मैक नंबर जब एक से ज्यादा होगा उस समय शॉकवेव जनरेट होगी, अदरवाइज शॉकवेव जनरेट नहीं होती है। इसको क्या सुपरसोनिक बोला करते हैं, सुपरसोनिक भी कह सकते हैं, सुपरसोनिक जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, तो सुपरसोनिक जितने भी जेट है वही शॉकवेव जनरेट करेंगे। बिल्कुल गुड। तो ये भी शानदार एक अच्छी सी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, ओके बढ़ेंगे। जी सर, यस। तो अगला क्वेश्चन आप कह दो सर, इफ द स्पीड ऑफ वेव डबल्स as it passes from shallow water into deeper water, its wavelength will। जी। तो basic जैसे अपन बात करते हैं सर, जैसे कोई भी wave किसी एक medium से दूसरे में travel करती है, तो उसमें अपन जैसे बच्चों की तो घर घुस चुकी होती है problem। जी जी। उसके मन मस्तिष्क में दिल में हर जगह घुसी होती है। जी जी। frequency में कोई change है? Change नहीं होता, क्योंकि frequency तो source पे depend करती है। source हमने change किया नहीं, medium change किया। Yes। तो frequency अगर इसी constant है सर, तो अपन कहते हैं v equal to n lambda। ये क्वेश्चन ठीक है अच्छा लगा मुझे। बेसिक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको। हाँ। अ ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंटेड बाय वाई इक्वल्स टू दिस दिस, ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन आपको दे रखी है। बिल्कुल। फॉर व्हाट वेल द वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है, वी वेव इज इक्वल्स टू वी पार्टिकल, वी पार्टिकल वो भी मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो ये रिलेशन जो हमें मिलता है, वेव की वेलोसिटी आई थिंक एन लैम्डा होती है, और पार्टिकल की वेलोसिटी ए ओमेगा। तो यहां से इक्वेशन से हम क्या करते हैं, स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती है, जो बच्चे को ट्रिक्स याद है वो याद कर ले। हम कहेंगे यहां पे वी के इज इक्वल्स टू ओमेगा, देन वी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ऐसे मुझे आपको स्पीड मिल गई, तो यहां से जैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते ही मैंने क्या मिल जाएगा मुझे, एन की वैल्यू पुट कर दे, हाँ वी की वैल्यू, वी की वैल्यू तो मैं रिक्वायरमेंट ही नहीं, वैसे लैम्डा आपने निकाला ना। हाँ, तो लैम्डा आपने एन, एन की वैल्यू मैं पुट कर दूं, और एन की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 2 पाई अपॉन में इसका एन फ्रीक्वेंसी का, क्या एन की वैल्यू अपन देखे ना उससे, एन जैसे अपने यहां ओमेगा से देखे तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन मिल जाएगा, तो एन इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। हाँ, ओमेगा अपॉन में 2 पाई लैम्डा इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, और लैम्डा जो हमें मिला वो क्या मिला,
8 मल्टीप्लाई 2 पाई, आई थिंक लैम्डा हमें जो दे रखा है 2 पाई ए आपको दे रखा है, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल, इसको अलग फॉर्म में भी आप देख सकते हो, पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो, वेलोसिटी से फिर कैलकुलेट कर दो, जैसे कैलकुलेट करना चाहो वैसे कैलकुलेट। अपने एक तरीका इसका हो गया जी। अब जैसे अपन इसमें थोड़ा सा बच्चों को एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो उसमें सर जैसे अपने कहा कि जो क्वेश्चन की डिमांड है, तो जी जी क्वेश्चन कहता है कि मान लो इसको डबल डबल हो, हाफ हो, वो तो अपन दे रखा होगा जी जी। और वैसे क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं, मान लो बोला कि इसने डबल कर दो, हाफ कर दो, वो तो आपने यहाँ लिख दिया जी जी। अब जैसे आप यहाँ पहुंच गए उसके बाद आपको काम शुरू करना है, तो एक तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वेव एक आपकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो ये वाई तो किसका होता है, पार्टिकल पार्टिकल होता है, और वाई इसका अपन डीवाई बाई डीटी जी जी जी। तो उससे अपन सॉल्व करके जैसे ए ओमेगा इसमें आएगा, बिल्कुल से बच्चे जानते भी हैं इसमें कि वी मैक्सिमम कितना ए ओमेगा होता है, ए ओमेगा, और एफ मैक्सिमम कितना ए ओमेगा स्क्वायर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को पहले से बहुत अच्छे से आता है जी 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 बिल्कुल। अब मेन चीज होती है कि अपन इसमें वेलोसिटी कैसे निकाले, इसकी वेव की वेलोसिटी। उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास दे रखा है, जो प्रोडक्ट फंक्शन भी है, उसमें जो आपका ये पोर्शन ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखो इसको आप यहाँ अलग से ले लो और बस इसको इतना कर दो ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये जीरो तो जीरो कर दो जी। अब इसमें दो फायदे हैं बच्चों, बहुत सुंदर फायदा होता है अगर मैं इसको जीरो करता हूँ। अब यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ द वेव बी है एक्चुअली है, एक दिन मैं इसको करूं यहां पर, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू मेरे पास है के एक्स, ठीक है जी। अब मैं इसमें x / t जो है वो देखें, तो x / t मेरे पास कितना ओमेगा / k आ गया सर, और यही क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेव को रिप्रेजेंट करेगा, वेव की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट। तुरंत क्या करें, तुरंत आप इस पोर्शन को अलग करें जी जी, जीरो करें, उसमें x / t निकाले, वो x / t यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव को शो करेगा जी। तो बच्चे बिल्कुल तुरंत याद रहता है कि फोन रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती फिर जी, बच्चा तुरंत यहां से निकालेगा। अब ये ओमेगा / k अपने यहां रखा, अपना क्वेश्चन हो जाएगा फिर जी, कोई इशू नहीं। तो ये अब आगे जो अपन प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें अपने को काम लेना पड़ेगा। एक और देखो सर, जैसे अपन यहां इसको सॉल्व किया जी जी, सॉल्व करने पे हमारे पास x / t जो आया वो प्लस में आया जी, इसका मतलब ये वेव किस तरफ मूव कर रही है, प्लस x में, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मैं मान लो यहां होता प्लस होता जी, प्लस होता तो मैं इसको जरूर बढ़ता और फिर उसे मैं क्या करता, माइनस करता ना, माइनस होता नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव होता। तो केवल इसको जीरो करके आप अपने अनुसार उसमें x / t निकाल लो जी, प्लस जी। आ रहा है तो प्लस मूव कर रहा है जी, x / t कैसा आ रहा है, तो यहां पे वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन भी साथ के साथ में जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी बिल्कुल। डायरेक्शन को लेकर बच्चा कंफ्यूज होता है, इसको साइन देखता है और साइन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लेता है, जो कि रॉन्ग आ जाता है। साइन का जस्ट इनवर्स होता है, जस्ट इनवर्स, इनवर्स या माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, और फिर भी कोई लफड़ा आता है छोटे मोटे, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड से केस आते हैं सर, उसमें इसको अपन जीरो कर देते हैं ना, तो कॉम्प्लिकेशन से आपकी वेलोसिटी ऑफ एक्स / टी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज फिर इनिशियल फेज का है, दूसरा सारी चीजें आप इसके काम ले लेंगे तो अपनी, बाकी तो प्रोसेस वो सेम है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ी सी बच्चे और कर लेंगे तो उनको फायदा आगे बिल्कुल हो जाएगा, बढ़े आगे बिल्कुल सर। ओके, क्या बोला इन्होंने, ये है ए मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए हाई लॉग एंड फायर्स ए गन जी जी, फोटो बनाते हैं बढ़िया सा, फोटो आपको जाना वापिस वही साउंड से आना, बिल्कुल डिस्टेंस अपन इसके डी मान ले जी जी, तो जाने का टाइम कितना डी अपॉन वी जी, आना भी कितना डी अपॉन वी, टोटल टाइम अपन कहें तो कितना t इज इक्वल टू हो गया 2d अपॉन v, v वेलोसिटी ऑफ साउंड है बिल्कुल बिल्कुल, t आपका जो इसमें गिवन है, d कैलकुलेट करना है यस यस, तो ये कह रहा है कि 1.5 सेकंड बाद ये अपने को इको सुन रहा है, सुन रहा है। अब इको मतलब ये कि जैसे इसने पहले फायर किया उस समय आवाज सुनी, फायर एक तो गन की फायर की साउंड सुनी जी, एक इससे रिफ्लेक्ट होकर फिर सुनेगी दोबारा, उनमें कितना गैप है जी, वो दे रहे थे आपने 1.5, तो एक सुन गया तुरंत एक रिफ्लेक्ट हो गया आएगा, साउंड की जो प्रतिध्वनि है बिल्कुल पहाड़ी से टकरा के वापस आई उसी को तुमने एक को बोला बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो अब इसमें इशू नहीं सर, आप कर दो उसका आंसर निकाल दो बिल्कुल आंसर, आई थिंक डी पूछा ना यस, तो डी इज इक्वल्स टू हमें मिल गया VT / 2, वैल्यू पुट कर देते हैं और वैल्यू पुट कर देंगे, साउंड की स्पीड 330 दे रखी है आपको, 330 टाइम 1.5 और डिवाइड बाई 2, और यहाँ से आप देखेंगे तो हमें जो मिल जाएगा 3/2, 3/4, तो 330 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3, और ये वैल्यू आपका अप्रोक्स इक्वल्स टू मिल गई है 247 के आसपास है ना, यस यस 247
47.5 मीटर आपको मिल जाएगा, यानी आंसर जो जाएगा हमारा सेकंड करेक्ट जाएगा। अब प्रतिध्वनि में कुछ चीजें और भी होती कि डी का कितना न्यूनतम मान हो जिससे कि इसको हियर कर पाएगा, बिल्कुल तो वो थोड़ा सा बच्चों को बता दे, कई बार पूछा गया सर बताए इसमें आपके और बीच में हेल्प करूंगा बताए आप। बिल्कुल, हम कहेंगे इको सुनने के लिए हमारे कान पे जो इसका इफेक्ट रहेगा एक मिनिमम टाइम के लिए रहेगा, तो ह्यूमन ईयर की बात करेंगे तो ह्यूमन में जो इफेक्ट रहता है 1/10 सेकंड के लिए इफेक्ट रहता है। 1/10 सेकंड से पहले कोई भी सेंसेशन पहुंचेगा, कोई भी मैसेज पहुंचेगा तो उसको हम वाइब्रेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कम से कम जो कंडीशन टाइम इंटरवल होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, 1/10 सेकंड होना चाहिए। 1/10 सेकंड से हम देखेंगे कि टाइम इंटरवल मुझे मिल गया है यहाँ से, स्पीड आपको पता तो डी यहाँ से कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे जो टाइम आपको दे रखा है 3.5 उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, 0.1 पुट कर दो, और 0.1 पुट करके आप डी कैलकुलेट करते हैं तो डी की वैल्यू अप्रोक्स इक्वल्स टू 17 मीटर आती है, 16 पॉइंट समथिंग आता है, हम 17 मीटर कंसिडर कर लेते हैं। तो इको सुनने के लिए मस्ट बी इस पर्सन की हेल्थ से डिस्टेंस जो होनी चाहिए कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए तब ये हियर कर पाएगा, अदरवाइज हियर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जैसे अपन कहीं से अपन जब छोटे रूम होते हैं जी जी, तो अपन वहाँ छोटे रूम में अपन यहाँ खड़े हैं, मान लो दीवारें अपने जो है वो रिफ्लेक्टर का काम करें जी जी, तो वो तो उनके साथ डिस्टेंस 17 मीटर से बहुत कम हुआ करती है, इसलिए छोटे रूम में तो इको सुनना पॉसिबल नहीं। बड़े हॉल जो होते हैं, पुरानी हवेलीज जो होती है, बड़े बड़े हॉल होते हैं, क्लासरूम होता है, उसमें इको की प्रॉब्लम रहती है। जैसे मान लो अपन इको थोड़ा सा बच्चों को समझाना था यहाँ से, मान लो मैंने एक यहाँ इसको टिक करा जी जी, अब जैसे मैं इसको टिक करता हूँ तो इसकी साउंड अपने कार में गई जी जी, फिर मैंने अगेन टिक करा तो जो पहला टिक था उसका सेंसन अपने ईयर पे है जी जी, अगला पॉइंट टिक किया उसका सेंसन हमारे माइंड पे पहुंच गया जी। अब पहला जो आपका टिक था और अगला टिक था उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस 1/10 सेकंड होने चाहिए, 1/10। अगर पहला टिक और दूसरा टिक उसके बीच का टाइम डिफरेंस 1/10 जैसे आपने कहा 0.1 सेकंड जो है जी, यदि उससे पहले दोनों साउंड अंदर पहुंच जाएगी तो उसको वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो इसको मैंने बोला कै, मैंने बोला खे, तो पहले कै का सेंसन चल रहा है और खे का भी इंटर कर गया, अगर कै और खे दोनों का साथ पहुंच गया 0.1 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच गया जी जी, तो ना तो अपन कै सुन पाएंगे और ना खे सुन पाएंगे। हाँ, इसी साउंड सुनेंगे, डिस्टरबेंस आएगा, डिस्टरबेंस सुनेंगे, कुछ तो बज रहा पर क्या बजा वो पता नहीं, अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, निवेदन पॉसिबल नहीं हो पाएगा जी 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 जी, ऐसी बात होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात ये हो गई भी इसका टाइम डिफरेंस हो गया, जिससे अपन इसमें थोड़ी सी बात और कर ले बच्चों से जी जी जी, इसको अपन कहते हैं शायद श्रवण निर्बंध काल जी जी जी, रिवर्सेशन टाइम, हाँ रिवर्सेशन टाइम ऑफ ईयर ईयर। ऐसे अपने आई का भी होता है, आई का भी होता है, आई का थोड़ा कम होता है, हाँ आई का 16 शायद सेकंड होता है, ऐसा कुछ होता है, हाँ इतना करीब होता है जी जी। तो ये चीजें बड़ी थोड़ी ऐसे आ जाती है, प्रैक्टिकल काम आती है जी बिल्कुल। तो यहाँ एक तो ध्यान रखना है कि इसकी डिस्टेंस जो है वो 17, इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा जो इसका यूजेस लिया ना, हम फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसका यूजेस तो इंडस्ट्री वालों ने खूब अच्छा किया है। बॉलीवुड की बात कर तो साउंड एंड लाइट की जो प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को यूज लेके सारी आपने कहा सिनेमा को फिल्माया जाता है, बिल्कुल लाइट और साउंड का इफेक्ट, फिर इससे थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं तो ज्यादा पैसा खर्च कर पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यस जी सर। तो बढ़े आगे, बिल्कुल सर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जी अगला क्वेश्चन आ गया जी, ओके तो क्वेश्चन कह रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक फ्रॉम ए टावर 500 मीटर हाई, द साउंड ऑफ दिस प्लेस विल बी हियर्ड बाय दैट मैन अप्रोक्सीमेटली आफ्टर, और ये सब दे रखा है आपने वो क्वेश्चन, शायद ऐसा कह रहा है कि हमारे पास ही कोई एक टावर है, टावर है जिसकी हाइट 500 मीटर दे रखी है और उसकी हाइट दे रखी है अपने को 500 मीटर, 500 मीटर ठीक है जी। और इसमें अपन यहां से कोई स्टोन है वो ड्रॉप कर दिया जी जी, तो स्टोन ड्रॉप करेंगे हम लोग तो स्टोन ड्रॉप होगा, अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, बिल्कुल अंडर ग्रेविटी, यहां से इसकी ओनली फ्री फॉलिंग मोशन होगी जी जी जी, अब यहां टकराएगा जी जी बिल्कुल। अब जिस समय इसको ड्रॉप कराया वहां से बात शायद कहा है क्वेश्चन ने, टाइम पूछा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर स्टोन ड्रॉप करा फिर यहाँ ये स्ट्रक करेगा, यहाँ तो रुक जाएगा या वापस आएगा, नहीं रुक जाएगा, साउंड आएगा, साउंड आएगी अभी से, तो ये साउंड इस प्रकार से यहाँ से मूव करते हुए आएगी बिल्कुल। तो यहाँ तो मोशन ऑफ स्टोन जी जी, मोशन ऑफ साउंड, साउंड हो गया। तो यहाँ जो टाइम आपका टी वन अलग वो में साथ बिल्कुल बिल्कुल, टोटल टाइम अपन सर यहाँ से निकालेंगे तो टी हमारे पास हो गया टी फ्री फॉलिंग ऑफ स्टोन प्लस हो गया टी ऑफ साउंड जी जी बिल्कुल। तो ये तो मेरे हिसाब से हो गया देखो रूट ऑफ 2h/g हो गया, और ये सिंपल आपके डिस्टेंस एंड हाइट h अपॉन कर दो उसको वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड बस बिल्कुल। अब आप कर दो उसको सॉल्व, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वैल्यू पुट कर दो, जैसे फॉर्मूला आपको मिल गया वैल्यू पुट करना होगा, और वैल्यू पुट करते ही मुझे जो मिलेगा 2 ×
500 अपॉन में g की वैल्यू 10 कंसीडर कर देते हैं, यहां पे हम क्या बोलेंगे 500 अपॉन में 330 आपको दे रखा है। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 10 सेकंड मिल गया प्लस 1.5 आ गया इसका, ये 1.5 के आसपास आ गया बिल्कुल। और यहां से हम देखेंगे तो टाइम जो मिला अप्रोक्स इक्वल्स टू 11.5 सेकंड बाद आपको इसका साउंड सुनाई देगा। तो आंसर आपका गया फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक शानदार क्वेश्चन हो गई, कैसी हुई बढ़ेंगे जी सर ओके। तो क्वेश्चन आपका 17 का जो क्वेश्चन है वो ये आपका इंटेंसिटी से रिलेटेड लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट सोर्स के लिए और सिलैंडरिकल सोर्स के लिए। तो पॉइंट सोर्स बच्चों को एक्सप्लेन कर दे पहले। बिल्कुल, पॉइंट सोर्स और सिलैंडरिकल सोर्स दोनों के लिए बता देते हैं कि उनकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड और इक्वेशन तीनों चीज साथ में बता देते हैं। तो मैं करता हूं एक्सप्लेन पॉइंट सोर्स का जी, उसके बाद आप करेंगे सिलैंडरिकल का जी। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पॉइंट सोर्स है जी जी जी, और इस पॉइंट सोर्स की पावर है पी जी जी बिल्कुल। जैसे अपन ने कहा इसकी पावर मान लो दे रखा है अपने को 2 वाट या 2 जूल पर सेकंड जी जी कुछ भी ले। इसका मतलब है कि ये कोई सोर्स था वो अपने चारों तरफ ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में ये क्या कर रहा है, यहां से अपनी एनर्जी उसको रेडिएट कर रहा है जी जी। क्लियर? साउंड के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, जिसके फॉर्म या हीट के फॉर्म में, जो इस तरह से निकाल रहा है जी जी। अब हम लोगों को इससे किसी डी डिस्टेंस पे या कोई आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हमको पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी यहां पहुंच पाती है। मान लो मैं यहां एक सरफेस मान लो और इस सरफेस का एरिया मेरे पास है मान लो a = 1 m² जी जी। तो इस एरिया पर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी होती है इंसिडेंट जी, उसको हम लोग कह पाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस जी जी बिल्कुल। इंटेंसिटी कई प्रकार की होती है सर, इमिशन की भी होती है, आप इंसिडेंस की भी होती है, रेडिएशन की भी आपकी होती है। तो इसमें आपका अपन कौन सा यहां तो इसका इंसिडेंस हो रहा है, इन ए तो इसको बोलते हैं आपतन की तीव्रता हुई है जी जी बिल्कुल, और आपतन की तीव्रता के रूप में अपन कहेंगे। तो अब देखो यहां सर इसने पी जो इसका मतलब है कि इसने 1 सेकंड में पी वाट एनर्जी निकाल लिबरेट की है। अब वो तो इसके सराउंडिंग में फैल रही ना जी बिल्कुल। तो अगर मैं इसको डी मानता हूं तो कितना एरिया में फैली वो एक तरह से पूरा स्फेरिकल फॉर्म में पहुंचेगी, तो इस पूरे स्फीयर का हमारे पास जो एरिया बनेगा वो है सर जी 4πd² जी बिल्कुल। अब उस 4πd² अपन ये कह सकते हैं कि 4πd² एरिया जो है उस पर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी हुई इंसिडेंट पी। तो 1 पे कितनी पी अपॉन 4πd², और यही सर यहां बन जाती है आपकी इंटेंसिटी आई, वो बन गई आपकी पी अपॉन 4πd² जी। ये यहां पर इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी जैसे अपन देखें यहां तो अभी इसकी डिपेंडेंस किस पे हो रही है, आई दिख रहा है अपने एक तो पावर ऑफ सोर्स ये तो कांस्टेंट रहेगी, सोर्स को कांस्टेंट होगा बदलेंगे तो बदल देंगे क्या दिक्कत है इसमें। हाँ, पर अगर डिपेंडेंस इसकी आई तो डिपेंडेंस में आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है ये एक तो डिपेंड करेगी जो सोर्स है उसकी पावर पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा सोर्स और जो आपका पॉइंट ऑफ आपका है जो आप इसको सेंस कर रहे हैं जी जी उसके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो पावर के तो कैसा प्रोपोर्शनल हो गया, फिर आपका हो गया आई कैसा 1/d² के प्रोपोर्शनल। अब थोड़ी सी बात इसको और कर दो, जैसे अपन पढ़ते हैं इंटेंसिटी आई वो होती प्रोपोर्शनल टू जैसे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जी सर, और इसको अपन लिखें तो हो गया पावर अपॉन डी स्क्वायर जी जी। तो डिपेंडेंस का खेल देखना हो कहीं पर भी इंटेंसिटी का या एम्पलीट्यूड का किसके साथ, पावर ऑफ सोर्स के साथ या डिस्टेंस के साथ, मोस्ट इक्वेशन आपके हो सकते हैं कि इंटेंसिटी साथ ही बन जाए या एम्पलीट्यूड बन जाए। तो मैं इसी से अगर सॉल्व कर दूं, अगर पी को अपन मान ले भी कांस्टेंट तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा तो 1/d पे, क्योंकि तो है ना आपका a² प्रोपोर्शनल 1/d² जी जी। तो a हो गया 1/d², इंटेंसिटी बात करेंगे तो i हो गया प्रोपोर्शनल 1/d². तो इस तरह से आप इस इंटेंसिटी को समझ सकते हैं। आप सिलैंडरिकल को आप सर इसी तरह से इसमें आप थोड़ा सा एक चीज में और इंक्लूड कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल कर बात कर रहे थे साउंड की और वेव्स की, अगर हम हीट सोर्स में चले जाए तो हीट सोर्स की जो पावर है वो टेंपरेचर पे कुछ डिपेंड करनी पड़ती है। तो यहां पे टेंपरेचर वाला फॉर्मूला सर और राइट कर दे हम तो अच्छा वो स्टीफन वाला हां हां वेरी गुड बिल्कुल कर सकते हैं। वो जो पावर है वो डायरेक्शन वस्तु कितनी हो जाएगी सिग्मा t4 अपॉन में d स्क्वायर। तो एक चीज बच्चों की हीट वाली यहां से अगेन मिल जाएगी, टेम्परेचर चेंज करेंगे सोर्स का तब भी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। और इसी के रिगार्डिंग सर हम एक बात और करना चाह रहे थे कि आगे भी प्रॉब्लम दे रखी आई थिंक कि स्फेरिकल सोर्स की जो इक्वेशन होती है वेव की इक्वेशन कैसे वो यहीं से बन जाएगी, फिर यहीं से बन जाएगी बिल्कुल। उसको अपन अभी यहीं बता दें यहीं बता दें बिल्कुल। जैसे अपन यहां आगे सर ए हमारे पास कितना है देखो
1/d मिलेगा। तो d को अगर उस क्वेश्चन में कहीं मान लो d तरफ पर d मान लेते हैं जी जी, तो जो वेव यहां से जनरेट होगी जी जी, अपन जो वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास y = हुआ a sin, ये आपका sin ओमेगा t, इसको आप इस बिंदु पे y बराबर, ये हमारे पास है a और sin ओमेगा t माइनस kx। अभी तो प्रॉपर्टी सिंपल है, वो तो जी जी, उसमें तो कुछ ऐसा कुछ जैसा एम्पलीट्यूड हो रहा है अपना a है जी जी, तो a जैसे अपन यहां से याद करते हैं, मेरे पास a, इसको मैं ऐसे लिखूं a is equal to a नॉट अपॉन d जी जी, तो इसको बस a नॉट तो कांस्टेंट है जी जी, तो अपन यहां इसको क्या लिख सकते हैं a नॉट अपॉन d d, और ये हो गया आपका sin ओमेगा t माइनस kx। और ये इक्वेशन से जिसके मेडिकल एग्जाम में पूछी गई, बिल्कुल पूछी गई, तो स्फेरिकल के लिए अपन इस तरह से वेव बन जाएगी बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपन वो क्वेश्चन देख लेते हैं सर, पहले अपने पास क्वेश्चन है ही, हाँ तो अपन बिल्कुल मिल जाएगा, अपन ढूंढ लेंगे, पास में ही है, जस्ट पास में है, ज्यादा दूर नहीं है वो, ये रहा, ये नहीं नहीं ये नहीं आने वाला, ये तो रिफ्लेक्शन वाला है, आएगा उसको ढूंढेगा, देखो पीछे चला गया पीछे साइड तक, इससे पीछे वाला ये, हाँ ये है ना, बिल्कुल देखो या यार गोलाकार परिगामी तरंग का समीकरण क्या है, अपने डिस्टेंस डी मानी, इन्होंने आर मान लिया, आर मान रखी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो यस उसमें दिक्कत क्या होगी, तो सीधे सीधे हम कहेंगे सारी चीज हमने देखी अभी, इक्वेशन आपने देखी थी उसी इक्वेशन को वापस से टिक कर देते हैं, ए अपॉन आर हो जाएगा सर, डिफरेंस केएक्स केएक्स बिल्कुल बिल्कुल, प्लस एक्स में जा रही है और नेगेटिव तो ये प्लस माइनस वो बच्चा समझ रहा है जी जी बिल्कुल, तो इसका आंसर जो चला जाएगा वो क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, हां बिल्कुल साफ बता दो। अच्छा फिर अपन जैसे अभी आप जैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे जी, उसकी भी किस तरह से बनेगी वो भी अपन उस क्वेश्चन को परफॉर्म कर देंगे, हां बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हो जाएगा, पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं, आपने ऐसा सेकंड ऑप्शन मुझे उस तरह का लग रहा है, हां अगर मान लो ये आती है सिलैंडरिकल, उसको कहते हैं लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स, उसमें शायद ये आपका आंसर बन जाएगा जी जी, उसको एक्सप्लेन करके बच्चों को फिर बनाएंगे बिल्कुल, तो वापस पहुंचे अपन उस क्वेश्चन में, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका एक क्वेश्चन से 7 हो गया ना, ये था क्वेश्चन जी जी जी, तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं जी जी, पर सिलैंडरिकल वाला थोड़ा आप एक्सप्लेन, बिल्कुल सिलैंडरिकल में सिलैंडरिकल सोर्स की बात करेंगे, सिलैंडरिकल सोर्स आपने का लाइट सोर्स हो, हीट सोर्स हो या साउंड सोर्स हो, बिल्कुल स्पीकर भी जैसे सिलैंडरिकल स्पीकर भी होता है लंबे वाला, उन सबके लिए एक कंडीशन मिल जाएगी, सिलैंडरिकल सोर्स को मैं ऐसे फॉर्म किया, ऐसे कुछ एक सिलैंडरिकल सोर्स है, ये लाइट सोर्स हो सकता है, साउंड सोर्स हो सकता है, हीट सोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसकी जो पावर है वो हमने पी कंसीडर की, और पावर गिवन सोर्स पे डिपेंड करेगी, सोर्स चेंज करेंगे तो पावर चेंज होगी, लाइट चेंज होगी नहीं, इसका लेंथ मैंने एल कंसीडर कर दिया है, और यहाँ से जो एनर्जी लिबरेट होगी, यहाँ से जो आपने कहा एनर्जी इमिट होगी, साउंड के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में हो, पापेंगे ऑल डायरेक्शन होगी, ऑल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जो आपको मिलेगी, ऐसे कुछ ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मिल जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो वेव प्रोपोगेशन हो रहा है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो रहा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो वर्ड यूज होते हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, तो वहां तो बना था स्फेरिकल वेव फ्रंट, यहाँ पे बनेगा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल बनेगा, सिलेंड्रिकल बिल्कुल, yes. तो यहाँ से हम देखेंगे किसी पॉइंट पे, जैसे कि ये मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया, ये पॉइंट P है, या फिर आपने कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी की सारी चीज आपने वो बताई थी कि यहाँ पे जो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पे जितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है उसी को हमने इंटेंसिटी बोला, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई थिंक सर आपने बताया था वही फॉर्मूला, पावर अपॉन एरिया, यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो किसकी फॉर्म हो रही है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो एरिया जो रहेगा सिलेंडर का एरिया रहेगा, और सिलेंडर का एरिया आई थिंक दिस वन होता है आई इज इक्वल्स टू हम कहेंगे पी अपॉन में 2 पाई इसमें डी एल एल डी डिस्टेंस कंसीडर, बिल्कुल, तो कहेंगे ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी, पावर हमने गिवन की कांस्टेंट रहेगी, तो इंटेंसिटी जो आपको मिली, इंटेंसिटी इज दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन में डी 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 मिल गया, और इंटेंसिटी डेक्सिबल क्या होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां से जो आप कहेंगे एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन मिलेगा रूट ऑफ डी आपको डी बन गया, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला, सेकंड आंसर आ जाएगा, अब आपको देखना है अगर कुछ नहीं बोला है तो साउंड सोर्स को हम हमेशा पॉइंट सोर्स या फिर स्फेरिकल सोर्स कंसीडर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, और जैसे अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में से बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट डेंसिटी का बड़ा शानदार तालमेल होता है अच्छी प्रयोग साथ, हां बिल्कुल अच्छी, वहां सोर्स और साउंड को जैसे इक्वेशंस वहां पे पकड़ना पड़ता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि इक्वेशन जो दे रखा होता है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करा है अथवा इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी को, जब कहीं पर भी प्रश्नों में शायद अगर आपने सोर्स ऑफ जो आपका लाइट है उसको और जो आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके बीच की डिस्टेंस कहीं बदली अपने, और वहां पॉइंट ऑफ जो अपन लेते हैं ऑब्जर्वेशन वो होता है आपका फोटोइलेक्ट्रिक सेल होता है जी जी बिल्कुल, वहां पे अपन लाइट को करते हैं इंसिडेंट,
तो डिस्टेंस को वेरी करा, इसका मतलब इंटेंसिटी चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज होगी तो आपकी फोटो करंट चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं एक शब्द बोला करता हूं कि तीव्रता बोले तो संख्या। बिल्कुल बिल्कुल। इंटेंसिटी किसी भी कैलकुलेट कर दो, नंबर ऑफ फोटोन देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लो, नंबर ऑफ किसी का भी देख लो, उसकी इंटेंसिटी नंबर पे ये प्रोपोर्शन होता है। जी जी इंटेंसिटी का। इससे पहले सर रंग कलर चेंज करना, ब्लैक करना। देखो जैसे सर ने भी कहा कि जो एरिया जो अपन ले रहे हैं यहाँ पर, ये एरिया थोड़ा सा मैं बच्चों को यहाँ दिखा दूं। देखो ये एरिया आपका जैसे इस तरह से इसका एरिया ये बन गया, इसकी रेडियस कितना डी और लेंथ कितनी होगी आपकी एल, एल तो 2πDL। ओके जी जी बिल्कुल। बड़े अच्छे प्रश्न बोल लेते हैं। अब इस, इसको प्रश्न आपका है तो ये कह रहा है कि ये स्टेशनरी पॉइंट सोर्स, तो प्रश्न उठाना किससे? स्पेसिफिक पॉइंट। अच्छा एक बार वापस बच्चों को धीरे से कन्वे कर रहे हैं इस बात को कि जब भी इंटेंसिटी के क्वेश्चन आते हैं तो या तो क्वेश्चन में देखो, सुन लो बच्चों देखो, या तो पॉइंट सोर्स लिखा होगा या आपका साउंड सोर्स जैसे आपका लीनियर सोर्स या सिलेंडर लिखा होगा, यानी रेखीय स्रोत लिखा होगा या बिंदु स्रोत लिखा होगा। जी वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल। पर अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कर रहा हो तो अपने को पॉइंट सोर्स अज्यूम करना, आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब वहां तो लिखा सर जी, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें बिल्कुल बेसिक सी बात है कि या तो आई प्रपोज टू कितना 1 अपॉन डी स्क्वायर है। जी ये तो किसके लिए? पॉइंट सोर्स के लिए, या फिर आई प्रपोज टू 1 अपॉन डी है। जी जी अपन यहां इंच कर दें रिमूव, तो अपना क्वेश्चन था हमारे पास पॉइंट सोर्स के लिए एम्पलीटेंस कितनी आपकी 4 और 9 के लिए। एम्पलीट की बात करूंगा तो यहां ए तो कितना प्रपोज टू 1 अपॉन डी है सर। जी जी। और इसमें ए आपका प्रपोज टू 1 अपॉन रूट डी है। बस जी यहां तो क्वेश्चन आपका हो गया। देखो इनवर्स रेशियो तो इसका रूट करेंगे क्या? नहीं रूट नहीं करना, सीधे ए तो स्क्वायर है तो ओनली 4/9। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया तो हम क्या कंसिडर करेंगे? पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी जो आपको मिलती है आई is that equals to 1 upon में d square। यहाँ पे जो changes है आप देखेंगे changes 2% less than 5% up to 5% का del method use कर सकते हो। del method जैसे मैंने use किया तो del i upon में i in percentage is equals to हमें जो मिलेगा क्या मिल जाएगा? ये minus का twice of del d upon में d मिल जाएगा in percentage। तो ये value जो मिलेगी minus 2 multiply कितना change दे रहा है? Increase किया है। तो हम कहेंगे इंक्रीज किया तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये -4% ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। माइनस यहाँ पे डिक्रीजिंग को बिल्कुल इसका मतलब इंटेंसिटी आपकी 4% से घट जाएगी। तो ऑप्शन जो मिलेगा डिक्रीज्ड बाय 4%, फोर्थ ऑप्शन जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो 4% कम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल यस। बढ़िया जी सर। ओके सर जी आपका क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखो कि फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई है, एम्पलीट्यूड भी बिल्कुल बदल रहा है। मेडिकल में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम पूछी गई उसमें एम्पलीट्यूड का ही रेशियो पूछा गया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, इसमें दोनों चीज चेंज की। तो ऑब्वियसली अपन फ्रीक्वेंसी का देखें, मान लो अपन यहां पहले तो एक हमारे पास वेव ए है एक बी है। जी जी। तो फ्रीक्वेंसी से इसने तो यहां तक का टाइम डिफरेंस अपन मान ले, अज्यूम करें मान लो 1 सेकंड का है। जी जी। तो इसका तो 1 सेकंड में बी का तो 1 कम साइकिल हो गया। जी जी। इसका हाफ ही है। जी जी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी इस बी की ज्यादा है, बी की ज्यादा एक ही और डबल लग रही है। बिल्कुल डबल। तो इसको ऐसे करते हैं सर कि एन बी इज इक्वल टू 2NA। जी जी। ये बात तो मिल गया अपने को। बिल्कुल। अच्छा एम्पलीट्यूड की बात देखें, एम्पलीट्यूड भी देखें, ए का तो 1 है बी का कितना, सॉरी बी का तो 1 है ए का कितना 2 हो जाएगा। जैसे ये एम्पलीट्यूड किसका हो गया सर? बी का हो गया। और ये किसका हो गया? ए का होगा। तो अपन इसमें ये कर सकते हैं क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, या एम्पलीट्यूड ए बस दे रखा है 2। जी। और एम्पलीट्यूड ऑफ बी हमारे पास कितना है? 1। ये तो अपने डायग्राम से इंफॉर्मेशन ले ली। जी जी जी। अब बात करते हैं क्या पूछा हमसे। तो क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू साउंड वेव्स ए एंड बी, ए एंड बी बी आर शोन इन द फिगर, देन द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज। अपन से इसी इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा गया है। तो यहां साइड डिपेंडेंस तो इससे पर बात कर लें, इंटेंसिटी डिपेंडेंसी की। हां बिल्कुल, इंटेंसिटी की डिपेंडेंस से हम बात करते हैं सर से। तो आई जैसे हाँ तो आई का जो फॉर्मूला आपका हुआ करता है 2ππ² तक 2ππ होता है, पाई स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर। बिल्कुल। तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू रो वी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ 2 तो आपका नंबर है, पाई एक वैसा नंबर हो गया, एन यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड,
और रो है यहाँ पर डेंसिटी, डेंसिटी और वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो हम तो यहाँ इसमें चेंज क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड भी कर रहे हैं, दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। जी जी, तो दोनों भी रफली कैसे डबल ऐसे हैं, तो लार्ज चेंज है इनका। जी जी, दोनों का कंसीडर करने 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 पड़ेंगे। मान लो ऐसा होता है कि दोनों इसमें, मान लो ये होता, मान लो मैं ऐसे कहता कि 1 पॉइंट समथिंग बहुत कम, फ्रीक्वेंसी एप्रोक्सी इक्वल होती तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जी, यहां तो लार्ज डबल का मतलब तो लार्ज है, बहुत लार्ज डिफरेंस है, 100% डिफरेंस है। बिल्कुल, दोनों कंसीडर अपने को करने जी जी पड़ेंगे। तो अब तो रेशियो निकाल लें। बिल्कुल, बताएं सर बच्चों अभी। तो इंटेंसिटी की जो डिपेंडेंसी सर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे बोला इंटेंसिटी ऑफ ए अपॉन में इंटेंसिटी ऑफ बी। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, ए का एम्पलीट्यूड हमें मिला था 2, इसका क्या मिला 1 का होल स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ए की जो फ्रीक्वेंसी मिली वो एन मिली है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी मिली जस्ट ट्वाइस मिली, डबल का रिलेशन दे रखा जिसका होल स्क्वायर। और यहाँ से हमने देखा तो क्या मिल गया, 4/4 दैट इज 1:1 मिल गया। तो आंसर आपका 4 करेक्ट जाएगा। बढ़िया, प्यारी प्रॉब्लम थी, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग इज प्रोड्यूसिंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन व्हिच इक्वेशन इज दिस। जी, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड, द लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन न्यूटन विल बी। आपसे टेंशन पूछा गया, वाई हम दे रखे हैं, तो यहां से हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं। पर अभी जो मैंने बात बताई थी कि तो x + 30 जी 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 = 0, जैसे इसको मैं 0 करता हूं तो मेरे पास देखो x / 30 आ गया माइनस का, तो v आ गया, v आ गया, यानी वेलोसिटी ऑफ अपने वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव तुरंत आप इसमें निकाल सकते हैं, वो कितनी हमारे पास है x / t माइनस का 30 मीटर पर सेकंड। और अपन स्पीड के रूप में इसका अपन मोड लेते हैं, मान लो v वेव का अपन मोड ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू का 30 मीटर पर सेकंड, ये अपने को इसमें लेना पड़ेगा। और ट्रांसवर्स वेव का फार्मूला हमें याद है, ट्रांसवर्स का फार्मूला अपन जो v निकालते हैं तो इसमें जो रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम है और बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है रिफ्लेक्शन को लेकर, कि कब पाई आ जाता है, कभी पाई नहीं आता है, कभी नेगेटिव आ जाता है, वो आ जाता है, उन चीज को थोड़ा सा समझ ले कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो हो रहा था टू टाइप से होगा, एक तो रिजिड सरफेस से होगा, एक फ्री सरफेस से होगा। तो फ्री सरफेस से होगा तो हम कहेंगे फ्री सरफेस में कोई तरह का फेज डिफरेंस जनरेट नहीं होता ही नहीं, और जैसे रिजिड सरफेस है वहां पे पाई का फेज हम जनरेट कर दे, और पाई का फेज जनरेट करते दूसरी सारी चीजें हो जाएगी। तो इसका अगर फोटो बना दे हम रिजिड सरफेस का, तो रिजिड सरफेस पे कोई वेव इंसिडेंट हो रही थी, कोई भी वेव फंक्शन मैंने ले लिया, आपने समझने के लिए ऐसा कुछ वेव फंक्शन ले लिया, ऐसे आपने कहा इंसिडेंट हो रहा। अब इंसिडेंट होगा, ये रिजिड सरफेस है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई का जनरेट हो जाएगा। तो इंसिडेंट वेव ऐसे कुछ मिली, तो रिफ्लेक्टेड वेव की अगर हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पे जो मिलेगी ऐसे कुछ आपको मिल जाएगी, वेव पल्स की मैंने बात की, ये आपने का रिफ्लेक्टेड का मिल जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, और फेज डिफरेंस कितने का जनरेट हो गया, पाई का जनरेट हो गया। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन जो भी मुझे मिली है, हम कहेंगे वाई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ले लो, माइनस ले लो माइनस की एक्स। तो यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्टेड होगा तो हम कहेंगे होगा क्या, अगर सरफेस को आइडियल मानेंगे और आइडियल सरफेस में हम कहेंगे एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी उतनी रहेगी, फिर आइडियल लेके एक बार एक्सप्रेशन ऐड कर दो रिफ्लेक्टेड की, फिर जो प्रॉब्लम पूछी उसकी बात करेंगे। हम कहेंगे ए साइन ओमेगा टी, जहां माइनस था वहां पे प्लस आ गया, साथ में पाई का फेज डिफरेंस जनरेट हो गया, ये तो आइडियल सरफेस के लिए हो गया।
अब यहाँ पे सरफेस क्या करती, जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट होती, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती, उसका 74% को ही रिफ्लेक्ट करती, हो सकता है लॉस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, जो भी हुआ है। तो यहाँ से हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन हमें मिली है वो इक्वेशन सीधे सीधे राइट कर दे हम, और राइट करते ही आप कहेंगे ये वाई रिफ्लेक्टेड जो मिला है वो कितना मिल जाएगा, ए नॉट था, अब ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी सर, ए नॉट हो गया 64 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो हम कहेंगे यहाँ से 60/100 ए नॉट, यहाँ से जो मिला है साइन ओमेगा टी प्लस प्लस kx प्लस फाई, फाई का फेज डिफरेंस जनरेट होगा, फाई को जैसे आप फाई को देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा नेगेटिव में चला गया, और यहां से आप देखेंगे 64 अपॉन 100 ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस kx, ओमेगा टी प्लस kx डायरेक्शन भी चेंज हो गई बिल्कुल और फेज भी चेंज हो गया। तो ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, क्या दे रखा है इन्होंने, तो ये आपका हो गया, देखो माइनस तो इसमें कौन से में आ रहा है, माइनस और है एक में ही है, बिल्कुल प्लस का है सारा, ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, कोई इशू नहीं है जी। तो अपन जैसे इसको अगला जो लेक्चर होगा सर स्टैंडिंग वेव वाला जी जी, वहां इसके ऊपर और अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आपने स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने के लिए रिफ्लेक्शन वो रिक्वायरमेंट है, बिना तो आपने क्या, आप इस प्रॉब्लम के साथ फिर आप जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसको और ढंग से देखना, उसमें अपन और शानदार तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करके यहां किस तरह से ये आपके और जो वेवफॉर्म बनते हैं वेवफॉर्म अलग अलग पल्स वेव होता है सेव कैसा होगा आ जाए उन सबको अपन बाद में एक्सप्लेन करते हैं करेंगे, अभी यहां इसको सेव कैसा होगा किस टाइम पे कितना सेव रहेगा वो सारी चीजें पल्स वेव में देखेंगे। बढ़े आगे जी सर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर हैज ए वेलोसिटी ऑफ दिस 360, तो आपसे पूछा देन करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वेव जी, तो गिवन डाटा से हम स्टैंडर्ड डाटा कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल, यानी बेसिक इक्वेशन जैसे मैं बताऊं सर आपको, तो मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूं, ए ये आपका गति किस तरह बोली इसकी प्लस अक्ष में, तो साइन ओमेगा टी, ये आपका ओमेगा टी माइनस kx जी जी, अब हमको k फाइंड करना है, यहां से अपने ओमेगा फाइंड करना है और ए दे रखा है, ए दे रखा है तो इनको देते हैं, अच्छा कर लेगा आराम से, कोई इशू है नहीं, तुरंत कर लेगा क्योंकि जैसे ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा हमारे पास कितना होता है 2 पाई n, तो 2 पाई n वैसे कितना वी अपॉन लैम्डा जी जी जी, कॉमन ले लो और 2 को कॉमन लेते ही हमें क्या मिल जाएगा 12 पाई टी एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी, भी अपने एम्पलीट दे रखा है जी जी, अपने पास वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है, अपने पास लैम्डा भी है जी, और अपन जानते हैं बेसिक दे रखा है कि पॉजिटिव एक्स मूव कर रहा था तो नेगेटिव बेसिक इक्वेशन हो गई, अपन को इसमें क्या रिक्वायरमेंट थी ए का ओमेगा और के, बस आराम से कर ले कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा कैलकुलेट कर ही दिया और के भी कैलकुलेट कर दिया, फॉर्म दोनों के हमारे पास थी बड़े जी बिल्कुल, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये भी अच्छी प्रॉब्लम, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिप्रेजेंट बाय, यहाँ पे जो वेव इक्वेशन दे रखी एक तो साइन की फॉर्म में है दूसरी कॉस के फॉर्म में, तो सबसे पहले दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दे, तो y1 को मैं वैसे रहने दूं और y2 को मैं चेंज कर दूं, तो y2 जो आपको मिलेगी टेंस टू पावर माइनस 6 क्या बोलेंगे हम साइन 100 टी प्लस x अपॉन 50 प्लस पाई बाय 2 जैसे आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो बच्चे को क्या सावधान रखनी चाहिए,
तो सबसे पहले तो दोनों फंक्शन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए, दोनों या तो प्लस दोनों साइन साइन होने चाहिए या दोनों कॉस 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 होने चाहिए, और दोनों या तो प्लस दोनों या माइनस होने चाहिए। जी जी बिल्कुल, हमारे पास ये साइन था जी, हमारे पास कॉस है जी, तो अभी ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक सेम में नहीं थे इसलिए हमने इसको पहले ही बदला ना, पहले बदला बिल्कुल। तो एक तो काम आ गया, हमें क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेम होना चाहिए जी जी, और या तो दोनों प्लस दोनों माइनस, ये सौदा करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्शन अपोजिट दे रखी तो वहां पे पाई का फेज और एडिशनल ऐड हो जाएगा, फिर अपन हां उसको भी अपन करेंगे बिल्कुल, उसको भी ऐड करना होगा। यस यस जी, तो फिर ये ध्यान रखिएगा बच्चा, तो क्वेश्चन गलत है नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपकी हो गया जी सर। ऐसा क्वेश्चन एक नीट में पूछा था पहले, हां नीट में प्रॉब्लम आई, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये भी एक प्यारी प्रॉब्लम है बिल्कुल। ये ऐसा क्वेश्चन अपन पीछे भी करा था, हां हां इक्वेशन पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसमें हमसे क्या करा, देखो ये कह रहा है कि मेनली जैसे इसको मैं उठाऊं क्वेश्चन को, देखो ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू टू टाइम्स, जैसे अपन पहले करते डबल भी हो सकता है हां वेव वेलोसिटी, तो इसमें जैसे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू टू टाइम्स द वेव वेलोसिटी, इसका मतलब वी पार्टिकल, वी जो पार्टिकल वो भी कौन सा मैक्सिमम, मैक्सिमम वाला मैक्सिमम वो है डबल ऑफ एन लैम्डा वी ऑफ वेव। अब वेव की वेलोसिटी जैसे तुरंत आपको इसी से फाइंड करनी चाहिए जी जी, यहां से कैलकुलेट, तो यहां से हमारे पास x / v आ गया, v आ गया, सीधे से v आ गया, बाकी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो घट जाएगा, हां कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैसे हां। तो एक तो अपन इसकी वैल्यू यहां देखें तो हमारे पास कितनी है, देखो सर v x / t और प्लस का है ना, तो ये तो आपको v मिल गया भाई जी जी जी, v भी पुट करना है। अब आई बात ये, इसमें की वैल्यू कितनी हमारे पास है, a ओमेगा जी, तो a हमारे पास है y नॉट, तो इसको अपन लिखेंगे तो मेरे पास देखो बन गया y नॉट इनटू ओमेगा। तो अगर सर इसको अपन मल्टीप्लाई करें से ओमेगा जो मिलेगा 2 पाई v अपॉन लैम्डा, हां तो 2 पाई v अपॉन लैम्डा क्या है, ओमेगा ओमेगा। तो हमें जो इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन की, जो एज पर क्वेश्चन जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, सब अपन ने पहले से तैयार कर ली जी जी। अब वैल्यू पुट करनी है, तो हम जैसे a को क्या लिखें सर, y नॉट ओमेगा, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 पाई लैम्डा इनटू v बन गया ओमेगा, फिर 2 पाई लैम्डा इनटू x बन गया k k। तो ये लो सर, हम इसको आपकी हेल्प करते थोड़ी, क्या लिखो इसमें 2 पाई v अपॉन लैम्डा लैम्डा, और यहां आगे तो है 2 v, ये तो v से v कैंसिल कैंसिल, तो लैम्डा हमारे पास ये 2 से 2 कर दो सर कैंसिल बिल्कुल, लैम्डा इज इक्वल्स टू ये तो उधर हो गया, तो पाई y नॉट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलो जी, इस तरह से बच्चा पकड़ेगा तो क्वेश्चन जी। और यानी देखेंगे मेडिकल में जो प्रॉब्लम पूछी जाती है ना, तो वेव की बेसिक प्रॉब्लम से सीधे सीधे पूछी जाती है, आप देख लेंगे प्रीवियस का पेपर, तो स्टेज फोर्थ में हमारा मॉड्यूल आप देखेंगे, उस मॉड्यूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने का सिंपल वाली दे रखी है, और सिंपल वाली प्रॉब्लम बच्चा टिक कर देता है, देखते टिक करता है बिल्कुल। अब जैसे सर जैसे एक्चुअली होता है कैसे अपन बच्चा नीट का जो होता है जी जी, तो नीट के बच्चे के लिए जैसे मेन खेल उसका होता है टाइम सेविंग का जी बिल्कुल, अगर उस बच्चे ने टाइम सेविंग मोड अपना एक्टिवेट नहीं कराना प्रिपरेशन के दौरान और पेपर के दौरान जी जी, तो फिजिक्स में टाइम जब उसने सेव नहीं करा, तो एक तो फिजिक्स को टाइम प्रॉपर नहीं दे पाएगा, दूसरा वो केमिस्ट्री बायो को भी ढंग से नहीं करवाएगा। तो मेरी हमेशा एक सोच होती है हमेशा कि मैं जैसे क्वेश्चन करता हूँ सर, मान लो किसी बच्चे को करवाता हूँ या पढ़ता हूँ, मान लो जो भी करता हूँ, तो मैं लास्ट में ये सोचता हूँ कि प्रश्न कम टाइम में कैसे जाए जी जी बिल्कुल, और उसके लिए तुरंत आप अप्रोच अपने साथ लगा दो उस क्वेश्चन में, जैसे अपन यहाँ से पकड़ा हुई वेलोसिटी भी आ गई बिल्कुल, ठोक दिया उसको बिल्कुल। एक्चुअल में देखो प्रॉब्लम जो पढ़ते हैं सारी जगह बुक्स में, दूसरी जगह हर जगह पढ़ेगा, ट्रेडिशनल मेथड हर बच्चे के पास अलग होता है हाँ। पर हमें रिफ्रेशिंग मेथड अप्लाई करना, और रिफ्रेशिंग मेथड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो रिफ्रेशिंग मेथड ज्यादा अच्छे से अप्लाई करेगा उसका आंसर जल्दी आएगा, और फिर कैलकुलेशन भी मिनिमाइज होगी, और कैलकुलेशन मिनिमाइज होने से फायदा क्या हो गया, मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं होगा, और टाइम बचाएगा और फिजिक्स को टाइम पे ढंग से कर लेगा तो बायोलॉजी के अंदर ढंग से पढ़ पाएगा, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाएगा जी जी, और वो उसका फिर वैल्यूएबल में काम काउंट करेगा, और उसका जो स्कोर है वो अच्छा बन जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बड़ा उस बच्चे के लिए काम आता है, इसलिए बच्चों जब भी आप प्रॉब्लम करें ना, तो जब प्रॉब्लम आप कर रहे हो, जब सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम आप टाइम उसको दें, अच्छा टाइम दें, इस प्रकार टाइम दें कि दूसरी बार उस क्वेश्चन को करें ना तो टाइम आपका कम लगे, ये आपकी अप्रोच है, इसको मैं कहता हूँ टाइम सेविंग मोड बिल्कुल, अप्रोचिंग मेथड से सॉल्व करो बिल्कुल जी। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, हो गया बिल्कुल सर, बढ़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर, आप बताएंगे ये भी इक्वेशन आपको दे रखी है, और इक्वेशन दे रखी तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये इनिशियल फेज हो गया, पाई को मल्टीप्लाई करके यहाँ से ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ से आप कहेंगे पाई अपॉन फोर के आ जाएगा। इक्वेशन जो मिलती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, अभी सर ने बताई थी वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव,
तो यहाँ पे सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, तो मुझे यहाँ से वेवलेंथ पूछे तो सीधे से वेवलेंथ कैलकुलेट कर दे। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला मिलता है के इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा मिलता है। यहाँ पे के की वैल्यू पाई को अंदर भेज के देखा तो के क्या मिल गया आपको 4 मिल गया। आप कहेंगे यहाँ से हमें जो मिला पाई अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू आई थिंक यहाँ पे 8 मिल गया, और यूनिट यहाँ पे मीटर में दे रहे हैं, मीटर में ले लीजिए 8 मीटर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल जी। अब जैसे सर एक बार उसको ये मिटाना है, इसको देखो, हाँ जैसे इसमें अगर आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ वेव, हाँ तो यहाँ से जीरो कर दो बस, अब यहाँ से आपका हो गया इंटरफेरेंस सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरफेरेंस के अपन थोड़ी थोड़ी आपस में दोनों भाई कुछ बातें कर ले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरफेरेंस से अपन जैसे यहाँ पे पूरा जैसे ये वाला पार्ट है एक तरह से वो वेव और साउंड का अपन ले रहे हैं। इंटरफेरेंस की कंडीशन बच्चों को पहले बताते हैं क्या कंडीशन होनी चाहिए इंटरफेरेंस, उससे पहले अपन आते हैं थोड़ा सुपरइम्पोज बात करते हैं, सुपरइम्पोज की बात, सुपरइम्पोज बात कर लें और फिर अपन बात ही कर लेंगे इंटरफेरेंस में क्या इसकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है, बिट्स वगैरह कैसे बनेंगे, स्टैंडिंग वेव है और फिर आपका हल्की सी बात थोड़ी जोड़ेंगे बच्चों के लिए, डिफरेंस पता कर लें, डिफरेंस ज्यादा अपन नहीं करेंगे जी जी। जैसे अपन आपस में इस बात को पहले थोड़ा सा इस बच्चों के पास अप्रोच के रूप में ले जाए जी जी जी, कि जैसे अपन दो हमारे पास साउंड वेव है उनका अपने सुपरइम्पोज करा जी जी। अब सुपरइम्पोज हुआ तो साउंड वेव एक ही सोर्स से आ रही है या मानो डिफरेंट से आ रही है, डिफरेंट से आ रही है। अब एक ही सोर्स से आ रही है तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम रहेगी, और अलग है तो उनकी अलग हो भी सकती है और अलग है तो फिर टाइम के साथ बदल भी सकती है जी जी। तो एक तो अपन बात करते हैं कोरेंट सोर्स, कोरेंट सोर्स इंटरफेरेंस के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या होती है कि दोनों सोर्स कोरेंट होने चाहिए, और कोरेंट मतलब जो भी उनसे वेव बनती है उनका फेज डिफरेंस कभी भी टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, टाइम के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए। और जैसे कि अपन आगे उसमें ये 12th वाले पोर्शन में जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वहां इसका बड़ा रोल होता है, बिल्कुल उसकी बात अपन ज्यादा वांछी कर पाएंगे, इसको अपन अभी यहां छेड़ते नहीं जी। मैंने अपन इशू ये रखते हैं सर कि जैसे हमने इंटरफेरेंस किया जी और एक अपन करा बिट्स जी, तो इंटरफेरेंस जो होता है उसमें जो मान लो यहां से अपन दो वेव जनरेट करें जी, एक वेव इस तरफ आ रही है दूसरी वेव आ रही है और मान लो किसी पॉइंट पे उनका सुपरइम्पोज हुआ जी जी। अब सुपरइम्पोज होने के बाद इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है जी जी, वो टाइम और पोजीशन के साथ किस प्रकार से वेरी करती है वो बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट इश्यू है जी जी। तो इंटरफेरेंस जैसे पर पढ़ते हैं इंटरफेरेंस इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, पोजीशन जी जी बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ किसी पॉइंट पे अगर मैक्सिमा है तो वो हर टाइम पे मैक्सिमा ही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और मान लो जैसे यहाँ मैक्सिमा है यहाँ आपका मिनिमा है फिर मैक्सिमा, तो किसी पॉइंट पे अगर मैक्सिमा बन चुका जब तक वो आपकी फिनोमेना हो रही है घटना घटित हो रही है तब तक वहाँ मैक्सिमा रहेगा जी। अब मान लो यहाँ मैक्सिमा यहाँ आपका है मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा या मान लो मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा और ये मिनिमा, तो अपन इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं पोजीशन बढ़ रही है तो ऐसे ही पैटर्न आपको मिलेगा मिलेगा। और जो बिट्स होती है वहां पे क्या होता है एक पॉइंट पे इसी टाइम पे मान लो मैक्सिमा तो अगले टाइम पे वहां मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया, ये टाइम का फंक्शन टाइम का फंक्शन हो गया जी जी। वो स्टैंडिंग वेव दोनों होते हैं, दोनों स्टैंडिंग वेव होते हैं। तो मेन मुद्दा बच्चों के लिए हो गया कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो किसका फंक्शन हुआ, पोजीशन का या टाइम का या दोनों का, दोनों का बिल्कुल। तो अपन यहाँ पे बच्चों को तीन प्रॉब्लम बता सकते हैं बच्चों को, यहाँ एक तो हो गया कि इंटरफेरेंस किसका हो जाएगा पोजीशन, पोजीशन बिट्स में क्या हो गया टाइम का, टाइम का हो गया और स्टैंडिंग वेव दोनों दोनों आपका पोजीशन और टाइम का हो जाएगा जी। एक बात अपनी होगी, बाकी जो है वो अपन फॉर्मूले की बात करते हैं क्योंकि टाइम अपने पास थोड़ा सा कम रहेगा जी जी जी। तो थोड़ा इसको खाली करना सर एक बार। अब जैसे अपन दो वेव को सुपरइम्पोज करें तो दो जैसे मान लो हमारे पास ये कोई सोर्स है एक सोर्स हमारे पास है, ये मान लो इसको S1 कर दो इसको मैं S2 कर दो, सुपरइम्पोज की डिपेंडेंसी हम बात करेंगे तो एनर्जी कंजर्व उस पे डिपेंड है, बिल्कुल। तो एनर्जी तो कंजर्व रहनी है यस, तो उससे आप एक इसको सीधे से हम सॉल्व कर सकते हैं यस जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सीधे अपन जैसे अपन अब ज्यादा इसमें अपन समय नहीं लेते, मैं डायरेक्ट इसमें थोड़ी क्योंकि ये पूरा टॉपिक गुजरा फिर ना जी जी। एक तो इसमें दो वेव सुपरइम्पोज होती है, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जी जी जी। तो ये मेरे हिसाब से आपका होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 square plus twice of A1 A2 cos phi, इसका रूट जी जी। A1 जो फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है ये सेकंड का, और phi यहाँ पर है दो जो वेव है उनके बीच का फेज डिफरेंस है ठीक है। अब इसमें एक बात अपन और कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर A1 is equal to A2 is equal to मान लो A0 है दोनों सेम जी जी एम्पलीट्यूड गए
ये भी अपना ए स्क्वायर ये आपका टू स्क्वायर बन गया, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो टू ए स्क्वायर ये हो गया टू पर कॉमन ले तो क्या वन प्लस कोसाइन ऑफ ए नॉट यस यस ट्वाइस ऑफ ए नॉट कॉस थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 स्क्वायर क्या यही से अगर बच्चों को थोड़ी सी बात कन्वे कर दूं कि अगर अपन बात करते हैं इंटेंसिटी की आई रिजल्टेंट कब दोनों सेम होने पर जी जी वो स्क्वायर के रूप में होती है जी जी इसका अपन स्क्वायर करके देता हूं 4 ए नॉट स्क्वायर जी जी ए नॉट को अपन मान ले आई नॉट जी उस केस में उसकी क्या बन जाएगी 4 आई नॉट कोस स्क्वायर 5 बाय 2 जी और यहां पर भी अब देखो कोस 5 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1 तो अगर हम मानते हैं कि दोनों कैसे सेम एम्पलीट्यूड के हैं दोनों सेम इंटेंसिटी के हैं उस केस में मैक्सिमम आपका जो एम्पलीट्यूड है वो तो कितना हुआ डबल ऑफ डबल हो गया एक सोर्स का एक सोर्स पर इंटेंसिटी कितनी होगी 4 टाइम्स तो एक बात तो यहाँ दो आपके अच्छे प्रश्न बन गए अब इससे से अपन बदलते हैं इसकी इंटेंसिटी बन करते हैं आई रिजल्टेंट आई आर आई वन प्लस आपका आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस फाइव तो मेनली जिसे मैं कहता हूँ कि बच्चों एक तो अपने फॉर्मूला याद होना चाहिए जी बिल्कुल दूसरा हमारे पास ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये अपन कन्वर्जन करके यहाँ बना चुके तो मोटे तौर पर दो फॉर्मूले बन गए अब जिससे अपन बात करते हैं सर कि फाइव जो वेरी करता है 0 to 180 तो cos 0 हमारा कितना होता है 1 मैक्सिमम तो अगर आपसे पूछे AR मैक्सिमम तो कितना यहां से बन गया हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2 a1 a2 1 हो चुका तो सुपन क्या लिख पाएंगे a1 प्लस a2 स्क्वायर जी जी या a1 प्लस a2 ओनली a1 प्लस a2 हो जाएगा रूट से रूट हट जाएगा तो AR मैक्सिमम a1 प्लस a2 AR मिनिमम AR मोर माइनस प्लस कर दो अपन हां a1 माइनस a2 जी तो यहां से अपन ने सीखा कि a मैक्सिमम a1 प्लस a2 a मिनिमम A1 minus A2 या A2 minus A1 जो बड़ा होगा उस पर डिपेंड करेगा दोनों का डिफरेंस लेना है दोनों डिफरेंस आएगा ये कोई इशू नहीं है अब अपन IR निकालेंगे इसका फॉर्मूला बन गया यहां पर भी cos phi पर यूज करेंगे तो मैक्सिमम की वैल्यू 1 मैक्सिमम की वैल्यू पर निकालेंगे जब ये 1 होगा सर तो हमारे पास IR कितना हो जाएगा रूट ऑफ I1 I1 plus root I2 का होल स्क्वायर और अगर मिनिमम होगा तो आ जाएगा डिफरेंस तो अब जैसे सर आप थोड़ी सी हेल्प करो मेरी कि एक तो इसमें आई जो आपका ए मैक्सिमम और ए मिनिमम ये बच्चों को एक्सप्लेन कर दो और आई आपकी मैक्सिमम और मिनिमम उसको एक्सप्लेन कर दो उसका रिलेशन निकालो बिल्कुल बिल्कुल हां अब देखिए मैक्सिमम के लिए सर ने अभी बोला था कि cos phi की मैक्सिमम वैल्यू लेनी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती 1 होती तो cos phi की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे जो ए मैक्सिमम मिलता है वो कितना मिल जाएगा यहां से A1 प्लस A2 मिल जाएगा सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ से आपने A मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो A मिनिमम जो मिलेगा A1 डिफरेंस ऑफ A2 बड़े में से छोटे को घटाना है इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी के लिए भी आप क्या बोलेंगे cos phi की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी तो I मैक्सिमम जो हमें मिला यहाँ से I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 मिला इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो एक तो सर जैसे एक इतना ही बच्चों आना चाहिए जी मैक्सिमम ये है एक तो ये आना चाहिए एक ये लिखो सर आप बिल्कुल इसको अपन काउंट करते हैं I1 वो और कौन सिखाते हैं कुछ चीजें प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 और मिनिमम के लिखेंगे तो -2 आ जाएगा बस कुछ करना ही नहीं है I1 प्लस I2 माइनस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम मिल गया बिल्कुल और इसको अपन जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ गया रूट I1 प्लस रूट I2 इसका होल स्क्वायर स्क्वायर और इसे माइनस के रूप में माइनस के आगे अब सब देखो यही इससे अपन थोड़ी बातें बच्चों को और अभी साथ ही कन्वर्ट कर जैसे कि 4-5 प्रश्न आपके साथ ही हो जाए बोलो हाँ तो कर सकते आगे किस प्रॉब्लम भी देखिए एक प्रॉब्लम आपने सीधे सीधे दे रखी है वहां पे आयाम जो दे रखा जस्ट 2a दे जाएगा तो वहां से 4 टाइम्स आ जाएगा अब जैसे थोड़ी सी बात अपना इस बात में करें बच्चों को कि इंटरफेरेंस का रियल मतलब होता है क्या थोड़ा सा उस पे भी चर्चा कर लेंगे तो जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक वेव मान लो और ये कोई दूसरी वेव थी इनका सुपरइम्पोज हो गया बिल्कुल बिल्कुल और इस सुपरइम्पोज में देखो दोनों फेज डिफरेंस कितना पाई का है पाई का है अपोजिट फेज में है और ऐसे में तो ये तो इनका रिलेशन का जीरो हो चुका बिल्कुल बिल्कुल अब सर देखो इसमें क्या बताया कि मान लो जैसे मैं इसको हटा करके अब दोनों को ऐसे मान लो सेम डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन मान लेता हूं थोड़ा सा वहां से बच्चों को ओपन करते हैं एक्सप्लेन मान लो ये कोई एक वेव है और ये कोई वेव है दूसरी ये इसका सुपरइम्पोज हो गया जी जी अब तीसरी वेव जो बनेगी
अब देखो उसमें क्या हम चीज देखेंगे कि जैसे फर्स्ट वेव था ना, मान लो इसको मैंने कहा ये फर्स्ट है, इसको मैं कहता हूँ सेकंड, इसका ये जो एम्पलीट्यूड है वो आपका ए वन है, ये आपका सर हो गया ए टू। जी जी, तो मैक्सिमम कितना हुआ ए वन प्लस ए टू हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू। अच्छा मैं इसकी मानता हूँ इंटेंसिटी मान लो आई वन, इसकी मानता हूँ इंटेंसिटी आई टू, तो जो यहाँ बनेगा मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी अपने बच्चों से बोली वो आई वन प्लस आई टू प्लस दिस आई। जी बिल्कुल। अब देखो अगर इंटरफेरेंस नहीं होता है, अगर ये सोर्स आपके कोरेंट नहीं होते हैं, तो सोर्स के कोरेंट ना होने पे ओनली अपने मिलती एवरेज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ओनली ऐड होता है, ऐड होता है, नहीं कुछ चीज नहीं बनती, एनर्जी बन जाएगी, आएगी नहीं। अगर इंटरफेरेंस होता है नहीं होता है, यानी सोर्स आपके किस तरह से उस पे बात करते हैं, अगर सोर्स आपके हैं कोरेंट, इंटरफेरेंस वहां पे होगा, और इंटरफेरेंस अगर होगा तो इंटेंसिटी आपको ये मिली ना। जी वो क्या है कि उनके सम से कितनी ऐड हो रही है एक्स्ट्रा, वो है 2/i1i2। ये किससे मेरा रिजल्ट, ये इंटरफेरेंस से। जी तो यहां देखो जहां इंटेंसिटी आपकी अधिक थी वहां तो अपने को इतना एक्स्ट्रा मिल गया, वो जहां बनेगा जिसको अपन कहते हैं दो टाइप्स के आपके होते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो जहां आपका संपूर्ण व्यतिकरण होता है पर इतनी इंटेंसिटी आपको एक्स्ट्रा मिल गई, बढ़ गई, बढ़ के मिल गई, और यहां इतनी कम मिल गई, पर नेट कितना, नेट उतना ही रहेगा। इससे क्या पता लगता है, इंटरफेरेंस इज बेस्ट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जहां संपोषी व्यतिकरण हुआ वहां कितनी इंटेंसिटी या एनर्जी ट्रांसफर एक्स्ट्रा हो गई और उतनी यहां से कम हो गई। ये कहां पे हुए, संपोषी व्यतिकरण स्थानों पर, यहां कितनी होगी वहां पर विनाशी वाले स्थानों पर हो गई। तो ये अब देखो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम इनको अपन ऐड करें तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ आई वन प्लस आई टू, इसको अपन डिफरेंस करें तो कितना आएगा। ये चीजें फिर आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम आती रहती हैं, बच्चों को यहाँ से बच्चों को पकड़ लेना चाहिए भाई आई मैक्सिमम कितना है, आई मिनिमम कितने, होम लेवल बिल्कुल फिक्स है, ए आर अपने आना चाहिए, अपने आई आर आना चाहिए, दोनों के सेम होने पर ए आर आना चाहिए, ए मैक्सिमम ए मिनिमम आई मैक्सिमम आई मिनिमम आपको आने चाहिए, फिर इंटरफेरेंस हो या नहीं हो। अब नई की बात जब आएगी तो क्वेश्चन साफ लिखा गया सोर्स कैसे आपके नॉन करंट, नॉन करंट है, तो इंटरफेरेंस वहां पे अपन को इंटेंसिटी कितनी मिलेगी एवरेज, एंड दोनों का सम यानी आई वन प्लस आई टू मिल जाएगी। तो जैसे अपन यही क्वेश्चन आपसे सर अपन डिस्कस कर ले आपस में दोनों भाई कि अगर मान लो हमारे पास दोनों सोर्स हैं, उठा दो कोई दिक्कत नहीं, मान लो अपने पास दोनों सोर्स थे, या इस क्वेश्चन पहले कर डालें, बिल्कुल इसको पहले कर देते, देखो फिर आगे वाले क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, बताएं सर आप पढ़ें इसको क्या है, टू पेरियोडिक वेव्स इंटेंसिटीज आई वन एंड आई टू पास थ्रू अ रीजन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, द सम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी, मैक्सिमा और मिनिमा पूछे अपने यहाँ पे, मैक्सिमा मिनिमा में, मिनिमा में और मैक्सिमा सम पूछे यहाँ पे, मिनिमा और मैक्सिमा में हम कहेंगे इंटरफेरेंस तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पेरियोडिक है, और पेरियोडिक है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आवर्ती दे रखी ना आपको। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये वो नॉन करंट नहीं है, नॉन करंट पेरियोडिक है, तो पेरियोडिक आपको हम कहेंगे करंट सोर्स मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा, मिलेगा अब इंटरफेरेंस मिलेगा, दोनों का सम कर देते, बिल्कुल अभी अपन ने लिखा है, बिल्कुल तो सम करने पे यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी उसी की इंटेंसिटी आपसे पूछी गई है, बिल्कुल हम कहेंगे आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने से हमें एवरेज इंटेंसिटी मिल जाएगी। yes. यहां से जो वैल्यू मिली थी आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस ऑफ रूट आई वन आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू माइनस ट्वाइस ऑफ आई वन आई टू कैंसिल आउट ईच अदर, और हमें जो मिला है ट्वाइस ऑफ आई वन प्लस आई टू आपको मिलेगा। अब हमने पहले से अपन तैयार कर रखे तो तुरंत प्रॉब्लम आपकी होगी, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना कि सोर्स किस प्रकार के हैं। हाँ, तो पेरियोडिक, पेरियोडिक का मतलब हम कहेंगे करंट सोर्स, या फिर करंट सोर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक क्वेश्चन में साफ नहीं लिखे ना, या तो लिखे दो टू सेपरेट सोर्स, हाँ सेपरेट सोर्स कभी भी करंट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब नॉन करंट है, या क्वेश्चन खुद लिख दे तो करंट सोर्स है ही नहीं, नॉन करंट ही है, तब अपने को उस चीज को फॉलो करनी है। जी जी, आगे आंसर आपका बिल्कुल सर। तो ये फिर अभी क्वेश्चन करा था, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या है, इसमें एम्पलीट्यूड जो है ए नॉट की जगह टू ए नॉट है, तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे मैं राइट करूँ तो क्या मिल जाएगा, टू ए मिल जाएगा, तो सर इसका भी इतना ही है, हाँ इसका भी इतना ही है, यस दोनों का इतना ही है। अपन सिंपल अपन आपस में डिस्कस करें इस बात के लिए, अपना जैसे किसी को अप्रोच करें सर अपन लोग, तो पहले दो व्यू की अपन देखें एम्पलीट्यूड कितने हैं, तो ए वन सर हमारा कितना हुआ टू ए नॉट, ए टू कितना हुआ सेवन। अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की, फेज डिफरेंस यहां पे थीटा दे रखा है, दोनों साइन के हैं प्लस के हैं, दोनों साइन के सेम फंक्शन, ओनली अपने को इसका फेज ये इसका फेज डिफरेंस लेना है, तो कितना थीटा आ गया, थीटा आ गया, यानी a1 a2 बराबर कितना 2a, और फेज डिफरेंस थीटा थीटा हो गया क्वेश्चन,
क्वेश्चन जैसे करेंगे हम, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा सीधे सीधे हमें जो मिला था ट्वाइस ऑफ ए नॉट कॉस थीटा बाई टू या फाइव बाई टू, और यहाँ से वैल्यू पुट करते ये वैल्यू जो मिली आपको ट्वाइस ऑफ टू ए कॉस थीटा बाई टू, हमें जो मिला है फोर टाइम्स ऑफ फोर टाइम ए कॉस थीटा बाई टू में। ये फॉर्मूला याद है तो आप थोड़ी टिक करोगे, याद नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, वेक्टर में अपन बच्चों खूब पढ़ाते हैं इनको, तो आना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया मेरे हिसाब से जी फॉर सॉरी बड़े थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जी। नेक्स्ट ये जो अपन कह रहे थे देखो, तो यहां कला संबंध शुरू, कला संबंध में कोरेंट सोर्स, कोरेंट सोर्स कहते हैं। ये प्रॉब्लम क्या बच्चों, बहुत ये नीट के लिए बहुत शानदार प्रॉब्लम जी, जबरदस्त प्रॉब्लम है। लाइट फ्रॉम टू करंट सोर्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड ए वेवलेंथ लैम्डा illuminates the screen. The intensity of central maxima is I naught. Central maxima I naught दे रखी यहाँ पे. If the source are incoherent intensity at the same point. अब देखिए यहाँ पे एक बार तो interference हो रहा है, एक बार interference नहीं हो रहा है। जब इंटरफेरेंस हो रहा था उस कंडीशन में हम कहेंगे सोर्स S1 और S2 दोनों कोरेंट थे, और यहाँ से आपने का जो भी वेव्स पहुंच रही थी यहाँ पे इंटेंसिटी जो दे रही थी वो I नॉट दे रही थी, और यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी मिलती फॉर्मूले से, अभी हमने देखा तो आपने कहा फोर टाइम्स मिलती है, तो ये किसके बराबर मिलेगी, फोर टाइम्स मिलेगी, फोर टाइम्स ऑफ आई मिलेगी। तो आई की वैल्यू जो हमें मिली है एक सोर्स की, इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी भी आई है, तो यहाँ से हम कहेंगे आई नॉट बाई फोर। ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ सिंगल सोर्स, बिल्कुल सिंगल सोर्स की इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की, तो क्या मिलेगी आई नॉट बाई फोर मिलेगी। ये तो हमें क्या हो गया, पहला केस था इसका इंटरफेरेंस हो गया, बिल्कुल इंटरफेरेंस में। अब आपने कहा दोनों नॉन कोरेंट है, नॉन कोरेंट में हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस तो होगा नहीं, सम दोनों का सम होगा, क्योंकि एनर्जी तो उतनी रहेगी ना, तो बढ़ेगी ना घटेगी, दोनों का सम होगा। तो दूसरे केसेस में हमें जो मिलता है वो आई थिंक दिस वन मिल जाएगा, हम कहेंगे इंटेंसिटी जो मिलेगी आई डैश वो किसके इक्वल हो जाएगी, आई प्लस आई दैट इज टू आई, और आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो कितना मिल गया था, दिस वन दैट इज हम कहेंगे आई नॉट बाई टू। जब हम कहेंगे इंटरफेरेंस नहीं होगा तो मैक्सिमा अभी भी आपको वहां पे क्या मिल रही है, ब्राइटनेस तो मिल रही है, ब्राइटनेस मिल रही है, सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी चेंज होगी, चेंज इंटेंसिटी चेंज होगी, पहले जो I नॉट थी वो I नॉट बाई टू होगी, जस्ट हाफ इंटेंसिटी होगी, सोर्स वही है बट सोर्स दोनों कोरेंट है, उतनी इंटेंसिटी है, पर इसमें आप कहेंगे फेज जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे कुछ मिलेगा आंसर, आई थिंक I नॉट बाई टू आना चाहिए। यानी क्वेश्चन का जो मेन मकसद था कि सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमम जो अपन पढ़ेंगे तो ये दोनों सेम बात होंगे, फेज इनका डिफरेंस कितना जीरो होगा, जीरो होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो बिल्कुल आई नोट हमारे पास कितनी फोर आई होगी, वहां कितना टू आई बनेगा जी, बस साफ दिख रहा है ये टू आई इसका आधा है जी, है ना, बिल्कुल ये पहले फोर आई थी जिसको आई नोट दे रखा है, बस यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चा गलत कर बैठता है यहाँ से, थोड़ा सा देखो लैंग्वेज ये थोड़ा लिखना ढंग से बच्चों को करना ही पड़ेगा, है ना। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ आ गया, बढ़िया ना सर जी। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन है कि द टू इंटरफेरिंग वेव्स हैव इंटेंसिटी इन द रेशियो ऑफ 9 बाय 4, यानी ये सर हमारे पास हो गया I1 बाय I2, I2 ओके, तो I1 का मतलब हमारे पास है 9 बाय 4 जी। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो इसमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसमें मैक्सिमा और जो मिनिमा है उनकी इंटेंसिटी पूछी है, इसका मतलब आपसे पूछ लिया I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, I मिनिमम। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन बच्चों को बताया था, तो ये आपका है रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू, आई टू इसका पॉलिस्टर साथ करो दोनों को देखो जी, बिल्कुल तो रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर था जी जी बिल्कुल। अब इसमें अपन को दे रखा है तो या तो मैं इसमें कॉमन ले लू, मान लो हमारे पास आई वन आई टू दे रखा है ना, कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो मैं अगर रूट आई वन कॉमन यहाँ भी लेता हूँ यहाँ लेता हूँ जी जी, तो अपन कॉमन लें किसको, हमारे पास आई वन अपन आई टू है ना, तो मैं इसमें आई टू को ले लू रूट आई वन अपॉन आई टू प्लस वन, रूट आई वन अपॉन आई टू माइनस वन, तो देखो यहाँ हमको मिला रूट आई वन बाई आई टू प्लस वन, और नीचे हमको मिला रूट आई वन अपॉन आई टू माइनस वन इसका होल स्क्वायर जी, बस वैल्यू अपने यहाँ क्या लिखेंगे, नाइन बाई फोर का रूट कितना, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू प्लस वन 5 by 2, 5 by 2, तो हमें यहाँ तो ऊपर तो मिल गया कितना, चलो इसको अंदर रखिए ना, तो ये तो है ऊपर तो 5 by 2, नीचे हमारे पास कितना रूट में ही है, और ये कितना था 3 by 2 minus 1, 1 by 2, 3 by 2 minus 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2,
ऐसे करना ही पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल इजी प्रॉब्लम और पूछी भी जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस तो फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स प्रैक्टिस का गेम, प्रैक्टिस पूरा खेल प्रैक्टिस का। जी बढ़िया सर। जी सर। ओके, अब अपन आ गए हैं इसका अगला पोर्शन, बिट्स। हां बिल्कुल, बिट्स की बात करेंगे। बिट्स बिट्स रिस्पोंड, बिट्स भी सुपरपोजिशन की एप्लीकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे बिट्स में हम मोटी मोटी बात करते हैं तो हम कहेंगे बिट्स प्रोड्यूस होने के लिए जो साउंड वेव्स ट्रेवल करे उनकी फ्रीक्वेंसी अप्रोक्स इक्वल आसपास की होनी चाहिए, और जब वो सुपरपोज होगी तो टाइम डिपेंडेंट एक फंक्शन मिलेगा। टाइम डिपेंडेंट फंक्शन मिलेगा तो किसी टाइम पे मिनिमम मिलेगा, किसी टाइम पे मैक्सिमम मिलेगा। इसी पैटर्न को हमने बिट्स बोला। जैसे इसके ऊपर जैसे भी बात कर रहे थे, मान लो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है जी, तो उसके पास जो वेव आ रही है सुपर इम्पोज कर रही है, तो ये जो यहाँ पर अपन किसी बंदे को जो एज्यूम कर रहे हैं वो तो अपने पास एक पॉइंट ऑफ हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। जी जी। अब यहाँ पे तो अपन कहते हैं यहाँ इंटेंसिटी बढ़ रही घट रही है। जी जी। तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा बना जी, पहले मैक्सिमा बना फिर मिनिमा बना फिर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, तो जो एक मैक्सिमा बना फिर उसको अगला मैक्सिमा बना। जी जी। उसके बीच के साइड डिफरेंस को अपन एक बिट कहते हैं, एक बिट कहते हैं। ऐसे कितने इसके पास से गुजरते हैं एक एक तो ध्यान रखना की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है 10 से लार्ज होना नहीं चाहिए। हमारे पास 100 है और एक मैं मान लो अपने पास 50 दे रखा है, तो वहां बिट्स बंद तो जाएंगे अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, उसको अपन लिसन नहीं कर पाएंगे, उसको अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना ये वाला। जी। दूसरा मोटा मोटी इसमें है क्या, तो पहले तो अपन क्वेश्चन को लेते हैं, बाद में आगे बातें करेंगे। बिट्स आर द रिजल्ट ऑफ, सीधे सीधे बोले कि बिट्स प्रोड्यूस क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन आपेंगे विवर्तन ऐसा नहीं हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये भी नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये भी नहीं हो सकता है, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स इंटेंसिटी बात करी होगी इसमें काम अपन लेंगे अच्छे से, तो दोनों चीज पूछिए। एक अच्छा प्रश्न हमारे लिए बन गया, टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाई वाई वन इक्वल टू दिस एंड दिस देन। तो सर एक तो मैं कह रहा, जैसे मैंने पहली बात अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन देखते उसका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिना लिखे आना चाहिए, अगर बिना लिखे आ जाए मेडिकल भी होना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चे का। जैसे अपन देखें तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हमारे पास है 4, इससे कितना आपका फ्रीक्वेंसी कितनी ओमेगा वो है 404 पाई। जी बिल्कुल। अगर मैं इसको यहीं से हाफ कर दूं तो बिल्कुल यहाँ से आ जाएगा 202 आ गए, पाई बटा 2। हां बिल्कुल, ये 2 पाई n है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 202 आ गए। पहले पहले यहां थोड़ा सा हल्का सा बताएं कि हमारे पास तो 2 पाई n है, जो पाई से पाई मुड़ा है इसमें हाफ किया तो n आ गया ना, n की जो भी यहां लिखा हो ना पाई के रूप में समझ लिया जाता है। जी। पाई को वहां हटा दो तुरंत, उसको हाफ कर दो, तो यहां मेरे पास कितनी जीवन से 202 है। जी। ऐसे इसको दे तो कितना 200 आ गया, तो यहां 200 यहां कितना का 202 डिफरेंस कितना 2 का, तो बिट्स अपने का 2 बन गए। जी बिल्कुल। अब 2 बिट्स बने तो ये आपके फॉर्मेशन के भी अच्छे हैं और विजिबल भी अच्छे हैं। जी। दोनों काम अपने पास ऑडिबल भी हैं, सुन भी पाएंगे बिल्कुल, तो ये बात हो गई। अब इसमें मेन जो मोटा मोटी बात किस पे आ रही है वो है इसके एम्पलीट्यूड अलग अलग दे रखा है। हाँ, ये इसका 4, इसका कितना 3 है, 3 तो बिट्स तो बन गए। अब आप इसमें जो ऑप्शन अपन देखें क्या रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी इज 4/9/2 है एंड रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, वो अब इसमें इशू आ गया। तो उसके लिए एक तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें डिपेंडेंस, अभी पहले कहा कि इंटेंसिटी आई प्रपोज था एन स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, अब एन जो यहां देखो ये कितना है 404 यानी 202 और 200, तो इसमें जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। बिल्कुल। तो इससे पहले अगर मान लो इसको अपन बच्चों को बताना चाहे तो 202 का स्क्वायर अपॉन 200 का स्क्वायर, तो कोई बड़ा इसमें हमारे पास इसमें एम्पलीट कितना 4/3 है सर, तो अपने उसमें निकाला रेशियो ना, और मैक्सिमम की बात करिए बिल्कुल,
A1 difference of A2 का हाल स्क्वायर। यहाँ पे जैसी वैल्यू पुट करते तो हमें क्या मिलता है 3 + 4 that is 5, 3 + 4 7 का स्क्वायर कर दो 49 7/1 का हाल स्क्वायर that is यहाँ पे मिलेगा 49/1 yes। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन थोड़ा सा इन्होंने उल्टा दे दिया हाँ। तो कोई ना सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, एक भी 49:1 भी दिखा रहे बट यहाँ पे बिट्स फ्रीक्वेंसी मोड दे रहे हैं, पॉसिबल नहीं फॉर वाला तो आपका पॉसिबल ही नहीं होगा, जहाँ भी फॉर दे रखा तो पॉसिबल नहीं, फॉर वाला पॉसिबल नहीं, तो सेकंड होगा ये सेकंड। अब इसमें थोड़ा सा एक समय मैक्सिमम और मिनिमम तो ये आपका 49:1 आना चाहिए, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं पर इसमें आप ये क्वेश्चन टिक कर पाएंगे क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी आपने मैच नहीं करा। और इस तरह की प्रॉब्लम देखिए सर, एक चीज अपने इसमें और सोचते हैं yes। तो जैसे बिट्स मैंने कैलकुलेट कर दिए, बिट्स कैलकुलेट करके मैंने ऑप्शन देखा तो आपने एक ही ऑप्शन में सिर्फ 2 मिलता है, तो फिर हम कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट इसीलिए टिक कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है नेट में हां, और जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना हां, टाइम को जो सेविंग करते हैं, टाइम सेविंग मोड पे आ जाते हैं, वो अपने की प्रॉब्लम को रीड करने से पहले ऑप्शन पे नजर डाल देते हैं yes। कि ऑप्शन किस तरह का क्या चाहता है yes, yes। तो ऑप्शन में जैसे नजर डाली उनका आंसर विद इन 10 सेकंड में मिल गया, देखते हैं आगे अब। बिल्कुल इसका हम आप हाफ के हिसाब का टू डिफरेंस है टक आगे सॉल्व नहीं करा सोचा नहीं कुछ, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। बिल्कुल ये आपकी 33 ये भी काफी प्यारी प्रॉब्लम, देखिए सर आप क्या बोल रहे हैं। ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स विद 2 बिट्स इन 0.04 सेकंड्स, 2 बिट्स इसका मतलब का टाइम पीरियड देगा, तो 1 बिट्स का टाइम कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी मैंने कहा था पहले कि जैसे बिट्स फॉर्मेशन अपन करते हैं तो उस केस में अपन देखें मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमा, ये मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ये मैक्सिमा, 2 बिट्स का टाइम आपको दे रखा है यहां से आ तक का, तो अपन एक का निकाले सर जी, तो एक का हमारे पास कितना 0.042 हो गया, 0.02 ये इसका बिट टाइम पीरियड हो गया तरह से जी, और इससे अपन ये बिट टाइम पीरियड हमारे पास कितना, देखो मैं इसको लिखूं यहां पे तो डी मेरे पास हो गया 0.02 सेकंड जी, ऐसे में इसकी फ्रीक्वेंसी हो जानी चाहिए 1/T जी, दैट मीन 1/0.02 प्रोड्यूस 4 बिट्स पर सेकंड विद 1 फोग ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.88 cycles per second. A little wax is placed on the unknown fork and the produce 2 bits per second the frequency of unknown tuning fork. इस तरह की प्रॉब्लम में बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होना ही नहीं, सबसे पहले जैसे बोला वैसे चलो, सबसे पहले बोलो कि नॉन कौन सा है, चलो इस नॉन को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ये नॉन आपका मिल गया, जैसे बोस जैसे इस क्वेश्चन में बॉस करवाते हैं वो स्केल लेके करते हैं, जबरदस्त करते हैं वो, बिल्कुल उसका लेके इस तरह बॉस के बराबर, तो देखो कि एनर्जी वो एक लेजेंड पर्सन है, उनकी बात तो हम क्या करें। हाँ तो जैसे उसमें जैसे मैं क्या मैं बॉस के साथ कई बार जो जी मोस्ट ऑफ टाइम जैसे उन्नति अपन करते हैं बॉस के साथ आपकी ज्यादा तो मैं जैसे देखता हूँ तो मैं वहाँ रोज कुछ उनको सीखता हूँ, बिल्कुल एनर्जी किस तरह से वो काम में ले रहे हैं, मतलब हर चीज मेरे को तो सीखने को मिलती रहती है जी। तो जैसे पीछे जब भी जैसे लॉकडाउन था बीच में, तो लॉकडाउन के पीरियड में जैसे लॉकडाउन लगा था तो प्रीवियस पेपर से सॉल्व बॉस ने करवाए थे, तो उस दौरान ये क्वेश्चंस बहुत बार करवाया, तो बॉस वाला मेथड अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वही करते हैं, तो फिर बॉस वाला मेथड अप्लाई करते हैं। बॉस क्या करते हैं, सबसे पहले स्केल लेते हैं, स्केल उन्होंने ले लिया, जीरो से स्टार्ट किया, आपके जीरो से फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी कहां तक, इनफिनिट तक चली जाएगी, तो उन्होंने कहा एक फ्रीक्वेंसी दे रखी, कितनी दे रखी, हम कहेंगे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो फ्रीक्वेंसी दे रखी 2.88 दे रखी, अब हम कहेंगे अननोन है तो अननोन की फ्रीक्वेंसी या तो इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी yes। तो कितना डिफरेंस होना चाहिए, 4 बिट्स का डिफरेंस होना चाहिए, तो अननोन की जो फ्रीक्वेंसी है या तो इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी, कितनी ज्यादा होगी 4 बिट्स प्रोड्यूस करें तो आपने कहा 4 से ऐड कर दो मैं, तो मुझे यहां से जो मिलेगा 292 मिल जाएगा, 284 मिल जाएगा। अब आंसर तो एक आएगा हाँ। या ऑप्शन तो दो मिल गया, ये भी पॉसिबल है अब कौन सा है, एक मिनट सर, अब बच्चों जैसे मैंने बाद अभी कंसोल करके तो बॉस वाला मेथड जी तुरंत अपन ने क्लिक करा जी, तो हम कितना वास करते हैं, बिल्कुल अच्छा। अब देखो एक बहुत की प्रॉब्लम आपकी नीट की है, 100% आएगी जी बिल्कुल, 100% प्रॉब्लम आने में ढंग से तैयार हो जाओ, उसको अच्छे से कर लो आप इसको, सर ने कहा पहले इसमें दे रहे गिवन
जीवन अपनी कितनी हो गई 280 वॉट जी 288 हो गया और बिट्स कितने बने हमारे पास 4 तो कम कितना 4 या ज्यादा बिल्कुल तो जो अननोन हो गया तो 4 कम या 4 ज्यादा होगी तो फिर इसको स्क्रिप्ट बना दी बिल्कुल अब यहां तक बैंक स्टेटमेंट कर लो उसके बाद क्या प्रोसेस है बिल्कुल बताएं सर आप उस प्रोसेस में आपको देखना है कि हमने क्या किया वैक्सिंग किया है या फिर रबिंग की रबिंग करी दोनों कंडीशन में फ्रीक्वेंसी अब हम कहेंगे अननोन के साथ चेंजेस भी कहां कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना कि हमने जो चेंजेस किया वैक्स कहां रबिंग की या वैक्स कहां अपने प्लेस किया अननोन के साथ तो अननोन के साथ ही हमें वैक्सिंग करनी है और वैक्सिंग करने से होगा क्या इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाएगा यानी ये इसके पास में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी कम होने के पास में आ जाएगा इसका भी फ्रीक्वेंसी कम होगा तो हम कहेंगे ये अननोन से दूर चला गया अब अननोन से दूर चला गया तो इनके बीच का जो बिट्स फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो इंक्रीज हो गया और ये इसको अप्रोच कर रहा अब 292 288 के पास आ रहा तो यहाँ पे डिफरेंस कम हो रहा अब हम देखेंगे कि आफ्टर वैक्सिंग क्या हुआ हमारे साथ आफ्टर वैक्सिंग क्या हुआ तो आफ्टर वैक्सिंग यहाँ पे देखेंगे तो आफ्टर वैक्सिंग बिट्स फ्रीक्वेंसी 4 से 2 हो गई 2 हो गया 4 से 2 होने का मतलब आंसर कौन सा जाना चाहिए यही आंसर जाना चाहिए तो हुआ मेरा फायदा बिल्कुल बोस का मेथड देखो हाँ। अब जैसे अपन ये थोड़ा सा बच्चों को कन्वे कर दें कि जो ट्यूनिंग फोर्क होता है जी या तो इसके जो आर्म्स होते हैं इसमें वैक्सिंग करेंगे यानी मोम लगा देते हैं मोम लगा दो टैप लगा आपने इसको लोडेड कर दिया उसको भर कर दिया बिल्कुल तो लोडेड करेंगे यानी भर करेंगे या अनलोडेड करेंगे ये चीजें हैं आपने इस पे लोड यानी आपने वैक्स ऐड कराया उसको रिमूव कराया तो किसका मतलब अनलोडेड हो गया जी जी तो जब इसमें वैक्स आप लोड करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी कुछ हो जाएगी डिक्रीज कम हो जाएगी अनलोड करेंगे रब करेंगे तो हो जाएगी इंक्रीज ये बच्चों ध्यान रखना है बाकी ये मतलब बहुत शानदार है जी जी बच्चा तुरंत इससे कैच करता है आंसर आपका तुरंत से मिल जाता है जी जी तो आंसर हमारा कौन सा है इसमें आया 292 वेरी गुड इसको ये रखते हैं अपन आगे इसी क्वेश्चन से अपन इसी से बनाएंगे अगर आप जी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखो तो इसी से इसको बनाएंगे इसको अपन रब नहीं करेंगे देखो ऑप्शन हटा देते हैं हां ऑप्शन हटा दो इसका देखो अपने देखा दो टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई ऑफ ए सितार प्रोड्यूस ए बीट फ्रीक्वेंसी 4 ऑफ इस डिफरेंस 4 ये जी जी तो वहां कोई सोचा नहीं व्हेन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग वाई इज स्लाइटली इंक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू 2 यानी वापस बीट कम हो रहे हैं जी जी पहले कितने 4 थे फिर कितने घट करके 2 रह गए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एक्स की दे दी अपने नॉन तो यहां हम क्या लिख देंगे क्या किया देखो कि यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क लो या फिर आप कोई भी साउंड सोर्स लो कोई भी साउंड सोर्स आपने का वायर वाला कोई भी हो उसकी थोड़ी सेल कर दो आपकी दो बिल्कुल हाँ उसकी जो फ्रीक्वेंसी टेंशन की होती है प्रोपोर्शनल हाँ बिल्कुल बढ़ेगा ऐसे कुछ मिलता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से होगा क्या ये इसको अप्रोच करेगा नजदीक जाएगा ये इसको अप्रोच करेगा और ये इसे दूर जाएगा अब दूर जाकर यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया डिफरेंस यहाँ पे बढ़ गया एक्स के साथ जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गई वहां घट गई यहाँ पे घट गई अब देखेंगे कि जब चेंज किया चेंज करने के बाद बिट्स फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज हुआ बिट्स फ्रीक्वेंसी घट रही है दैट इज आंसर कौन सा आ गया 296 फर्स्ट ऑप्शन तो तुम बच्चों ढंग से देख लो बस और जैसे आपको इसमें आपको महारत हासिल करनी है तो बोस का प्रीवियस टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन जाना उसको आप डेंजल आ रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे आपको एक्सप्लेन करा है और अच्छे से आप वहां पर इसको देख सकते हो क्यों सर जी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल दोनों प्रॉब्लम अपने साथ ली बिल्कुल जैसे दोनों चीजें आपको बना दिया अब अननोन नॉन जो भी कहा ए बी कुछ भी हुआ जो भी बच्चों आपको दे रखा हो फ्रीक्वेंसी उसको रखो बीच में बिल्कुल कितने बिट्स बने उनको रखो सेपरेट में और फिर जैसे जैसे कहे उस हिसाब से बोला वैसे चलते रहो इंक्रीज डिक्रीज करके उसको आराम से निकालेगा तो ये प्रॉब्लम आपकी नीट के लिए बहुत शानदार है दोनों प्रॉब्लम बिट्स की प्रॉब्लम बाजी बिट्स और देखो बिट्स और डॉपलर की प्रॉब्लम तो आनी है आनी आनी उसमें तो कुछ है नहीं उसमें गलती भी फिर नहीं करनी चाहिए बच्चे को हां बिल्कुल पहले से पता है यस यस पेपर तो पहले से आउट हो गया यहां से प्रॉब्लम आनी है हां हां उस टॉपिक का अच्छे से पढ़ बिल्कुल बिल्कुल जी बढ़िया के जी सर यस सर तो ये हमारे पास है अगेन प्यारी प्रॉब्लम हां 50 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते ऑर्डर में है और ये कह रहा है कि सभी सक्सेसिव ऑर्डर में कितने 4 बीट है उनका एक रिलेशन दे रखा है एक फोटो बना दूं मैं फिर आप सॉल्व कर दो यस तो हम कहेंगे ये फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क था आपका ऐसे सेकंड है ऐसे थर्ड है ऐसे हमने कहां तक रख दिया है
हमको कि जैसे कह रहा है कि और यहाँ से बच्चे जब म्यूजिक सीखने जाते हैं तो सारे गांव पादा नसी की बात करते हैं, तो हर एक की पे वापस फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ये बच्चों को एक सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेवल अष्टक। अष्टक मतलब अब बच्चे क्या करते हैं, अष्टम तो आठ गुना हो गया, आठ गुना नहीं, वो कैसी है, डबल फ्रीक्वेंसी। एक तो बच्चों को ये शब्द यहाँ से पकड़ना है, ऑक्टेव या अष्टक। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसका जो मतलब बताया बच्चों, वो तो है डबल फ्रीक्वेंसी होना। तो अपना क्वेश्चन था ये कह रहा है कि जो आपका फाइनल, जो फाइनल आपका ट्यूनिंग फोर है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी, फर्स्ट वाले की डबल है, दुगनी होगी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी वाली, यानी एन प्लस जो हमारे पास 49 बी जो है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ एन एन। तो अगर मैं इस एन को यहां से हटा दूं तो ये खत्म, बिल्कुल एन इज इक्वल टू 49 बी, बी की वैल्यू करके मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करते हैं एन की वैल्यू, यानी फर्स्ट का, जी एन का फर्स्ट का मतलब हो गया आपका 49 इनटू 4, यस जी। तो 9 इनटू 4 कितना, 36, 296 हो जाएगा, 196 हर्ट्ज। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट वाले, फर्स्ट वो किसी की भी पूछ सकता है, अब किसी की पूछ आपके सबके पास पढ़ ले, एक कम कर दो उसे, लास्ट पूछे तो इसके डबल कर दो। सर अपन कहेंगे 11वीं 11th वाले पूछनी है, हां 11 की कैलकुलेट, 11 को 10 10 की प्लस कर दो, यानी फर्स्ट कितनी थी हमारे पास, तो निकाल लिया अपन ने 196 प्लस अपन करेंगे तो 10 * 4 340 हो गए, तो हो गया आपका 196 प्लस 40 236। इसलिए आप किसी फर्स्ट का, सेकंड का, फिर आप इसे आराम से फाइंड कर सकते हो, किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड, जी बड़े जी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बनी है द टू साउंड वेव्स विद वेवलेंथ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली ईच प्रोपेगेट्स इन ए गेज विद वेलोसिटी दिस, वी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। वापस एक तरह से आपको मिलेगी वो क्या मिल जाएगा, साउंड की स्पीड लैम्डा 1 माइनस वी अपॉन लैम्डा 2, और वैल्यू पुट करने पे ये जो मिलेगा, वी को कॉमन ले लूं मैं, तो यहां से क्या मिल गया मुझे 1 अपॉन लैम्डा, यानी 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5.5। इसको सॉल्व कर दे, और सॉल्व करने पे वी की वैल्यू 330 दे रखी सर, यस यस 330 दे रखी, ये 330 हो गया, और यहां से आप देखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस जो मिला वो कितना मिला, 0.5 मिल गया, और अपॉन हम कहेंगे 5 मल्टीप्लाई 5.5। यहाँ से सॉल्व करते ही हम कहेंगे सीधे सीधे इसको देख लेते हैं, देखते ही ये कैंसिल आउट हो गया, इधर से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हम कहेंगे 33 अपॉन दिस दिस, तो ये वैल्यू जो मिली है 33 अपॉन 5.5, यस कैंसिल आउट कर दे, यस कर दे, किससे कर अब इसको 11 से कर दे, 11 से, 11 से कर दे, तो ये क्या मिलेगा 30 अपॉन 5 That is 6 bits per second प्रोड्यूस होंगे, 6 bits per second प्रोड्यूस होंगे। कैलकुलेशन, हाँ I think हम लोग कम प्रैक्टिस करते हैं तो कैलकुलेशन स्पीड कम है, बच्चे की कैलकुलेशन स्पीड इससे भी फास्ट रहती है, कई बच्चे होते हैं सुपर होते हैं, सुपर जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं उससे पहले चलनी चाहिए टक 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 टक, पर एक जैसे नीट वाले बच्चे क्या करते हैं, जैसे मोस्टली बात अपन करें रिपीटर्स से बच्चा है, जी जी, तो रिपीटर्स बच्चे के क्वेश्चन तो रट लेते हैं, वो खराब चीज है सर, वो बड़ा गंदा खेला है, जी वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया टू साउंड वेव्स, जैसे हमको लगा ये 0.5.0 ये पर तो अपने वाली प्रॉब्लम है पहले वाली, और उसको सीधा हम पढ़ते हैं, उसने ये मान लो गलती से मैं इसको ऐसे कर दूं कि 332 कर दिया, 332 कर दिया मैंने, कर दिया बिल्कुल, और कुछ अलग आ गया बिल्कुल, तो फिर तो देन देने पड़ जाते हैं, और ऑप्शन क्या मिलेगा 6 उसको फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा, एग्जामिनर तो क्या चाहता है कि बच्चा गलती गलत करे, बच्चा गलती, और मोस्टली अपन देखते हैं आजकल जो नीट का पेपर जो आ रहा है, एग्जाम जो पेपर सेट करता है वो क्या करता है, वो इजी प्रॉब्लम्स आपसे गलत करवाता है, गलत करवाता है, और रिपीटर बच्चे की इजी प्रॉब्लम ही गलत होती है और उसके बच्चे की लापरवाही से होती है, बिल्कुल। तो एक तो ध्यान सुन लो, जो रिपीटर बच्चे हैं, जो कोई बच्चे हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें,
ठीक है। और दूसरा, अपने रूममेट से कंपटीशन ना करें। नहीं, कंपटीशन खुद से कीजिए ना, खुद से। किसने मना किया? आप कंपटीशन पूरी दुनिया से है। बिल्कुल, भी आप पूरे हिंदुस्तान में बच्चों से एग्जाम देने जा रहे हैं। जी जी जी। और मोस्टली जैसे अपन भी इस दौर से निकले हैं। जी जी। और अपनी भी गलतियां करी हैं बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपन जिनके साथ रहे, मान लो अच्छे बच्चों के साथ रहे, खराब के साथ रहे, जो बच्चे मेरे साथ रहे, जो मेरे क्लासमेट रहे, तो मोस्टली अपन क्या कंपटीशन वही सीमित मान लेते हैं। खास तौर से बच्चा जो अपने आज जो लाइफ अपने पास हो, वो हॉस्टल लाइफ हो गई। जी बिल्कुल। और एक रूम बच्चे, दो बच्चे रहते रहते हैं। जी जी। तो वहां बिल्कुल आप अपना 100% आपका पार्टिसिपेशन करें, ये बच्चों को करना चाहिए, उससे फायदा मिलता है। तो अपन शायद लास्ट सेकंड लास्ट पे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट रन आपके आगे, लास्ट टाइम चला देगा आज के लास्ट से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो लास्ट रन पे आ गए हैं। देखो या ये भी प्यारे प्रॉब्लम दे रखे थे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज एट नाइट ड्यू टू नाइट में साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। यस। अब इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमने राइट किया था आपने, उसी फॉर्मूले से देख लें। बिल्कुल। उसी फॉर्मूले से देखेंगे तो आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने ऐसा कुछ बताया था, 2π² (n²)² (a²)² (n²)² (r²)V। तो वहां पे हम कहेंगे साउंड का सोर्स चेंज नहीं किया हमने, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ये तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। अब चेंज क्या हुआ? आपने कहा मीडियम भी तो चेंज नहीं किया, तो हम कहेंगे वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे डेंसिटी जो होगा नाइट के अंदर चेंज हो जाएगी। डेंसिटी ऑब्वियसली नाइट में एयर मीडियम की डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, बट डेंसिटी इंक्रीज होने से इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज। ऐसा बोल रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपन सिंपल अपन जो बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, जैसे मान लो अपन जो मोस्टली जैसे अपन एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो जो प्लांट्स हैं जी, शायद डे टाइम में वो O2 लेते हैं, नहीं O2 को उत्सर्जित करते हैं, इजिक करते हैं और CO2 लेते हैं, और नाइट में साथ उल्टा प्रोसेस होता है। नाइट में फोटोसिंथेसिस, आई थिंक बॉटी वाले साथी ऐसा बताते हैं कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ही कुछ ऐसा कुछ करता है, ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं उसमें। हां नहीं, उसमें CO2 निकलता रहता है ऐसे, या तो इसका कुछ न कुछ है। भाई के बच्चे को पता, बच्चे को पता, अपन जो बोलते हैं, अपन जो बोलना चाह रहे हैं बच्चे समझ रहे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, फिजिक्स के टीचर उनको पता ही नहीं बोलती का। यानी जहां तक थोड़ा सा इसमें अपन बात करें, तो नाइट में CO2 ज्यादा निकलता है जी, या जैसे दिन में तो आपकी O2 निकल रही है, तो O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है CO2 से? CO2 से कम है। हाँ, CO2 का 44 तो नाइट में जो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, एक तो जो आपके लिविंग एनिमल्स जैसे अपन साथ में हैं, अपनी भी और साथ में प्लांट्स की भी वहां ऐड हो रही है, और दिन में तो आप देखो प्लांट्स तो O2 निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और CO2 डे टाइम की डेंसिटी कम है, और जैसे CO2 तो CO2 भी आपका है भी कितना 44% होता है एटॉमिक वेट, 44, और O2 का कितना 32। तो वहां इस एयर के कंसंट्रेशन का रोल जो है, उससे डेंसिटी आपकी नाइट में क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी इंक्रीज होने से आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा बच्चे इसमें थोड़ा बेसिक चीजें तो समझ रहा था। तो हम देखो बातों में 38 क्वेश्चंस कर चुके हैं, सॉल्व किए हैं, और इसका पहला पोर्शन अपन ने वेव्स और साउंड का कंप्लीट जी कर दिया। सेकंड में अपन जो आगे बात करेंगे स्टैंडिंग वेव और डॉपलर इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर में आई थिंक बोस आई, और डॉक्टर बोस का फेवरेट टॉपिक है, बच्चों को मजा आ जाएगा। सुपर से मैं पढ़ा बोस से पहले शुरू में, तो उसको तो आते ही वो अपना आपा बदलते हैं ऐसे, बिल्कुल शानदार टॉपिक उनका रहता है। तो इस लेक्चर को अपन सॉल्व करें। बिल्कुल। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय श्री।